कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर देखो दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक का मतलब स्थिर डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस क्यों बोला जाता है, तो ट्रांसफार्मर में हमने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का मूवेबल पार्ट नहीं होता, वो एक जगह स्थिर रहता है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का काम सभी को पता है कि वोल्टेज को या तो स्टेप अप करेगा या क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। लेकिन सर्वाधिक यूज इन्हीं दो कामों में किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, तो उससे क्या होगा कि जो उसका लॉसेज होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ट्रांसफार्मर तो हमें पता है क्या कर रहा है, क्या उसका काम है, कि ट्रांसफार्मर को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले हम ये बात समझेंगे कि क्यों हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम वोल्टता को इतना ज़्यादा इंक्रीज करके 400 केवी पे, 200 केवी पे क्यों उतना ज़्यादा उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन चीज़ों को समझते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि आपको पता है कि वोल्टेज का जो, या वो सीधा हम बात करें, वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम करते हैं, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तारों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो तारों के द्वारा ट्रांसमिशन करने से क्या होता है कि आपको पता है कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस के कारण आपको क्या पता है कि जो हानियाँ होती है वो क्या होती है, उस तार के अंदर जो होती है वो क्रिएट होती है। क्योंकि हमने पढ़ा जब आप एसी सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हो तो आपको पता है कि उसके जो पोल होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनमें आई स्क्वेयर आर हानियां भी उत्पन्न होगी। क्योंकि किसी वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आई स्क्वेयर आर हानियां भी उत्पन्न होगी। तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है कि यदि मान लिया मैंने यहां से वोल्टेज, अपने सिंपल समझते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे, 240 वोल्ट मान लिया मैं यहाँ से पहुँचा रहा हूँ और मुझे पहुँचानी है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, तो ये हमारा स्टार्टिंग सिरा हो गया 240 वाला। तो जब यहाँ इस सिरे पर हम पहुँचेंगे तो हमारी वोल्टेज का मान क्या है, लॉसेज की वजह से लगातार क्या होगा, घट करके वो मान लिया हमारी यहाँ कितनी पहुँचेगी, बड़ी मुश्किल से 200 वोल्ट, 190 वोल्ट, कितनी भी हो। कहने का मतलब कि जो लॉस है उसकी वजह से हमारी वोल्टेज का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो हानियां है वो आई स्क्वेयर आर हानियां है वो क्रिएट होगी उसमें। तो अब उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला मैं क्या करूँ कि मैंने जो ये वायर लिया था, या तो इस वायर की मोटाई बढ़ा दूँ। तो मोटाई बढ़ाऊँगा तो आपको पता है कि मोटाई बढ़ाने से मेरा खर्च बढ़ेगा, प्लस क्या होगा कि जैसे जैसे आप वायर की मोटाई बढ़ाते जाते हो तो आपकी जो करंट होती है, करंट वो क्या होती है, उसमें इंक्रीज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपने मोटाई बढ़ा दी तो धारा को उसमें प्रवाहित होने के लिए क्या हुआ, उतना ही ज़्यादा उसको एरिया मिलेगा, तो उससे भी हमारी क्या होगी, हानि जो है वो कम नहीं हो पाएगी। तो उसमें भी क्या होगा, एक हद तक तो हम वोल्टेज को थोड़ा सही ढंग से पहुँचा पाएंगे, लेकिन हमारे जो आई स्क्वेयर आर लॉसेज होते हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि हम वोल्टेज को 240 वोल्ट ना रख करके, जैसे मैं क्या करूं कि यहाँ मुझे 240 यहाँ पहुँचानी है इस कंडीशन में, तो मुझे पता है कि मैंने जब 240 भेजी तो वो कितनी पहुँची थी, 200 पहुँची, तो मैं यहीं से इसको क्या करूँगा, 300 वोल्ट कर दूंगा, 280 कर दूंगा, इस प्रकार कर दूंगा। तो वो काम किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। तो जब मैं यहाँ से 300 वोल्ट पहुँच रहा हूँ या पहुँचा रहा हूँ, तो क्या होगा कि यदि लॉसेज होंगे तो भी वो लॉसेज को कवर करती हुई इन टर्मिनल पे 240 250 वोल्ट मुझे क्या होगी, अंतिम सिरों पे
प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा कि लाइन के जो लॉसेज होते हैं उनको दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। एक प्रकार से ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज का रेगुलेशन करता है, वोल्टेज के रेगुलेशन के भी काम करता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो अब देखो कि ट्रांसफार्मर ने मेरा क्या किया, वोल्टेज जितनी मुझे आवश्यकता थी उतनी उसने पहुंचा दी। अब इसकी वजह से मेरे फायदा क्या हुआ, सबसे पहला कि वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया, तो मैंने जो तार यूज किए थे अब मुझे उस तार की मोटाई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पतले तारों के द्वारा ही वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता हूँ, तो हमारा जो खर्चा था वो कम हो गया। दूसरा काम देखो क्या हुआ कि जब हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया तो पतले तारों का यूज किया, और पतले तारों का यूज करने से क्या हुआ कि जो आई स्क्वेयर आर लॉसेज थे, जो हानियां थी हमारी आई स्क्वेयर आर हानियां, वो हानियां क्या हो गई, अब कम हो गई। क्योंकि पतले तारों का यूज करने से क्या हुआ, जब हमने पतले तारों के द्वारा पारेषण किया तो हमने क्या किया कि जो लाइन करंट थी वो लाइन करंट कम हो गई, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो गई तो लाइन करंट का मान कम हो गया, और लाइन करंट का मान कम होने से हमारी जो ये धारा थी ये कम हो गई, तो हमारी लाइन में जो लॉसेस थे वो भी क्या हो गए, कम हो गए। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जाता है, वोल्टेज को स्टेप अप करके या फिर आवश्यकता के अनुसार स्टेप डाउन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारेषित किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे खर्च भी कम होते हैं और जो लाइन में लॉसेज होते हैं वो भी कम उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ट्रांसफार्मर की उपयोगिता। अब हम यदि बात करें तो कई बार इसी में ही पढ़ लेते हैं उनको, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है कि आपको पता है कि जैसे हमने उत्पादन किया, ये मान लिया मैंने इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया, तो यदि मैं निम्मी की बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत में अधिकतम उत्पादन, बात उत्पादन की हो रही है, ना प्रपारेशन की नहीं कर रहा मैं, ना वितरण की कर रहा हूं, भारत में अधिकतम उत्पादन जो है वो 11 केवी होता है, सिर्फ उत्पादन की बात हो रही है। यदि बात करें हम उत्पादन की तो 11 केवी। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे ट्रांसमिशन का प्रश्न पूछा जाए, उत्पादन अलग होता है ट्रांसमिशन अलग होता है, तो यहां से उन चरणों को हम समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, उत्पादन हो गया। अब उत्पादन के बाद क्या होता है कि जो उत्पादन केंद्र होते हैं, उत्पादन केंद्र जैसे आपने देखा होगा कि जल विद्युत केंद्र होते हैं जहाँ पे टर्बाइनों के ऊपर जल गिला करके और क्या किया जाता है, जो हमारे अल्टरनेटर की शाफ्ट होती है उसको घुमाया जाता है और वोल्टेज पैदा की जाती है। इसी प्रकार से हमारे जो स्टीम टर्बाइन वाले होते हैं, तो इस प्रकार वहाँ पे विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है, और उत्पादन कितना बताया मैंने आपको, 11 केवी। अब वहाँ उत्पादन करने के बाद उत्पादन केंद्र से अल्टरनेटर को क्या किया जाता है, एक मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, यहाँ हमारा एक मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। उत्पादन केंद्र से तारों के द्वारा उस विद्युत को कहाँ तक लाया जाता है, मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग तक लाया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या किया जाता है, फिर उसका प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, और जो यहां हम बात करें मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो 11 केवी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 220 केवी में, ठीक है। सामान्य रूप से हम बात कर रहे हैं कि 11 केवी का उत्पादन हुआ, फिर उस लाइन के द्वारा उसको मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक लेकर के आए, उसकी प्राइमरी को हमने 11 केवी किया, और 11 केवी को बढ़ा करके 220 केवी करके हम कहाँ भेजते हैं, आगे ग्रिड स्टेशनों पर भेजते हैं। तो ये जो स्टेज होती है इसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन या फिर प्राथमिक प्रसारण, ठीक है। तो यहाँ जब ये पहुँचेगी प्राथमिक प्रसारण के बाद, जब ग्रिड स्टेशन पर पहुँचती है हमारी विद्युत,
तो ग्रिड स्टेशनों पर इसको क्या किया जाता है, फिर 200 केवी, 220 केवी की हम अगर बात करें तो 220 केवी को फिर उसमें किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 33 केवी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर ग्रिड स्टेशन तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। फिर उसका क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये हमारा ऊपर प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या किया जाता है कि जो 33 केवी की वोल्टेज है उसको जो सब स्टेशन होते हैं, आपने जगह जगह देखा होगा जीएसएस या सब स्टेशन, तो वहां पर क्या किया जाता है, 33 केवी वोल्टेज से उसका प्रसारण किया था, और 33 केवी को कहाँ तक लेकर के आते हैं हम, 11 केवी तक। तो इस प्रकार अलग अलग चरण हुए, पहले उत्पादन, फिर उसको मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक लेके आए, फिर हमने उसको 220 केवी को 33 में कन्वर्ट किया, ग्रिड स्टेशन ने 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करके सर्विस स्टेशन को भेज दिया या सब स्टेशन को भेज दिया, और सब स्टेशन वाले क्या करते हैं, इस 11 केवी को क्या करते हैं, फिर जो वितरण केंद्र होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, डीएस लिख देता हूं मैं, वितरण केंद्रों पर भेज देते हैं 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट। तो इस प्रकार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर जो लाइनें होती है हमारी वो कहाँ आती है, जो घरों के पास पोल होते हैं उन पे आती है, और हमें जो है वो विद्युत प्राप्त होती है। तो अब देखो इसमें जो होता है, उत्पादन हो गया, फिर हमारा ट्रांसफार्मर। तो प्रत्येक स्टेज पे आपको पता चल रहा है कि काम मेन किसका हो रहा है, ट्रांसफार्मर का हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर क्या होती है, एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। पहले हम उत्पादन करते हैं, फिर हम उसको मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करते हैं, फिर ग्रिड स्टेशन पहुंचाते हैं, फिर सर्विस स्टेशन पहुंचाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पहुंचाते हैं, और फिर उपभोक्ता के घर तक पहुंचाते हैं। तो इतने चरणों में यदि हमारा ट्रांसफार्मर नहीं हुआ, हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, यदि मान लिया मैं 11 केवी से शुरू करके सीधा उपभोक्ता या डिस्ट्रीब्यूशन तक 11 केवी पहुंचा रहा हूँ बिना ट्रांसफार्मर के, तो वो 11 घटते घटते यहाँ आते आते कितना बड़ा नेटवर्क हो जाता है कि जो 11 केवी है उसका मान जो है वो बहुत ही कम रह जाएगा, क्योंकि लाइन में लॉसेज अधिक होंगे। तो इसलिए क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो ट्रांसफार्मर की उपयोगिता आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इसी में आपके और ट्रांसफार्मर से संबंधित तो नहीं है, चलो बता देता हूं मैं, कि जो उत्पादन केंद्र से लेकर के आप मेन सर्विस स्टेशन तक, ये जो उत्पादन केंद्र से हम शुरू हुए और यहां तक जो वायर आती है, कई बार आपने प्रश्न पूछा गया है, उसको बोला जाता है फीडर लाइन। फीडर लाइन क्या होती है, उत्पादन केंद्र से लेकर के अल्टरनेटर के मुख्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, आपकी फीडर लाइन कहलाती है। इस बात का भी ध्यान रखना आप। उसके बाद दूसरी लाइन आपने सुनी होगी, मेन फीडर लाइन। मेन फीडर लाइन देखो क्या होती है, कि जो मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वहां से लेकर जो ग्रिड स्टेशनों तक लाइन आती है, उस लाइन को क्या बोला जाता है, मेन फीडर लाइन बोला जाता है। उसके बाद हम बात करें कि वितरण केंद्रों तक, तो ये जो लाइन आती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन की जो लाइन होती है, ग्रिड स्टेशनों से लेकर के हमारे जो सब स्टेशन होते हैं वहां तक जो लाइन आती है, उस लाइन को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और उसके बाद हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के जो उपभोक्ता के घर तक हम पहुंचाते हैं वो लाइन हमारी कौन सी होती है, सर्विस लाइन होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की लाइन के लिए अलग अलग यूज होता है। दोबारा सुन लीजिए कि उत्पादन से लेकर के जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक हम लाते हैं उसको बोला जाता है फीडर, फिर जो ट्रांसफार्मर से ग्रिड स्टेशन तक लाते हैं उसको बोला जाता है मेन फीडर लाइन, और जो ग्रिड स्टेशन से हम वितरण केंद्र तक लेकर के आते हैं वो कहलाती है आपकी, ग्रिड से वितरण केंद्र सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक, वो आपकी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और सर्विस लाइन क्या होती है, जो हमारे वितरण केंद्रों से लेकर के जो घरों तक आती है वो होती है हमारी सर्विस लाइन। तो प्रत्येक क्षेत्र में किसका यूज होता है, ट्रांसफार्मर का। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसमिशन और जो हमारा उत्पादन है वो अलग अलग किस प्रकार होता है। तो ट्रांसमिशन आपको पता है, ज़्यादातर जो बात करें हम तो 400 केवी आपने देखा होगा, 33 केवी, 66 केवी, 200 केवी,
और यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 11 केवी जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये थी ट्रांसफार्मर से संबंधित जो बेसिक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत की, वर्किंग प्रिंसिपल की। तो हमें सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से चलना है, ज़्यादा उसमें समुद्र में नहीं गोते लगाने कि प्राइमरी धारा उत्पन्न हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। हमें परीक्षा की दृष्टि से उसको क्या करना है, समेटना है चैप्टर को। तो बात करें प्रिंसिपल की, तो ट्रांसफार्मर आपको पता है किस पर काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर, ठीक है। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है, ठीक है। कहने का मतलब, अब यदि मैं इसको और ज़्यादा विस्तारित करूं, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, फैराडे के जो पारस्परिक प्रेरण का नियम, या जिसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कई शब्द यूज होते हैं। पारस्परिक प्रेरण आपको लिखा मिल सकता है, या फिर अन्योन्य प्रेरण लिखा हुआ होता है निम्मी की बुकों में, ठीक है, सह प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण, या जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, इस नियम के ऊपर जो है वो काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो क्या होता है कि हमने देखा था स्टार्टिंग में चुंबक के चैप्टर में ही, सिंपल सा फंडा है कि जब आप, ये हमने मान लिया कोई हमारा ट्रांसफार्मर ले लेते हैं एक सिंपल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि दो वाइंडिंग होती है, ये हमने मान लिया कोई प्राइमरी और इस तरफ हमारी कोई सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब आप किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ते हो, तो एसी सप्लाई से जोड़ने पर आपको पता है कि एसी में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, या फिर सिंपल मैं बात करूं तो पोल जो होते हैं वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो पोलों के परिवर्तित होने से क्या होता है कि जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, बदलने वाले स्वभाव का होता है। तो जिससे क्या होता है कि जब इसको एसी सप्लाई से जोड़ा तो इसमें कोई फ्लक्स उत्पन्न होता है, और फ्लक्स के उत्पन्न होने से ये हमारी क्या होती है, एक कोर होती है लोहे की। इस कोर के द्वारा वो फ्लक्स क्या करता है, गमन करता है, और गमन करके ये जो सेकेंडरी की जो कोयल होती है उसको काट देता है। तो जिससे क्या होता है कि जब फ्लक्स किसी कुंडली को काट रहा है तो उसमें क्या होगी, एक वोल्टेज पैदा होती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसके साथ जो दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें भी एक वोल्टेज पैदा होती है, उसको क्या बोला जाता है, पारस्परिक प्रेरण का सिद्धांत बोला जाता है। तो सिंपल यदि हम बात करें तो पारस्परिक प्रेरण में क्या होता है कि जब दो कोयल एक साथ रखी गई हो तो उनमें से यदि आप किसी एक कोयल को सप्लाई देते हो तो उसके साथ रखी जो दूसरी कोयल होती है उसमें भी ईएमएफ पैदा हो जाता है। और उसके बाद हम बात करें कि ये ईएमएफ पैदा किस पर होता है या निर्भर किस पर करता है, तो ये ईएमएफ हमेशा आपका टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, टर्नों की संख्या पर, नंबर ऑफ टर्न पर निर्भर करता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आपके प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। यदि प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है तो आपका ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, सेकेंड, जो स्टेप अप प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम
बात करें यदि कि ये जो दोनों वाइंडिंगें होती है इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। आपको ने देखा होगा जो सिंपल लैब में भी आपके जो होंगे ट्रांसफार्मर, तो इन वाइंडिंगों का आपस में कोई मतलब संबंध नहीं होता, फिजिकल रिलेशन इनका नहीं होता। लेकिन ये दोनों वाइंडिंगें जो होती है वो आपस में मैग्नेटिक रूप से जो होती है मैग्नेटिकली कॉन्टैक्ट में होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी एक लोहे की कोर है उस कोर के द्वारा जो फ्लक्स इसमें उत्पन्न हुआ वो फ्लक्स इस कोर के द्वारा यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँच करके इस वाइंडिंग को काटता है, जिससे इसमें भी क्या होती है एक वोल्टेज पैदा होती है। तो प्रश्न एक बार पूछा गया ये, तो उनमें फिजिकल रिलेशन किसी प्रकार का नहीं होता लेकिन मैग्नेटिक लूप से वो आपस में क्या होती है कॉन्टैक्ट में रहती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पैदा हो रहा है तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और इधर वाली का भी एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऑटोमेटिक रूप से ही उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और दूसरी वाइंडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस पर निर्भर करता है? आपका टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि हमें वर्किंग प्रिंसिपल से ज़्यादा मतलब नहीं है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल में यही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है, पारस्परिक प्रेरण पर काम करता है। पारस्परिक प्रेरण होता क्या है कि जब आप एक किसी कुंडली में एसी सप्लाई प्रदान करते हो तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में भी क्या होता है एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिससे उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। वही ईएमएफ क्या होता है हम आउटपुट के रूप में ट्रांसफार्मर में प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि सेकेंडरी के टर्न कम है तो स्टेप अप और ज़्यादा है तो सॉरी कम है तो स्टेप डाउन और ज़्यादा है तो स्टेप अप हमारा क्या होता है ट्रांसफार्मर होता है। अब देखो उसके बाद हमने बात की कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो स्टैटिक डिवाइस है। मैंने आपको बताया एक स्टैटिक डिवाइस होता है, तो स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से जितने भी विद्युतीय उपकरण हैं उनमें सबसे ज़्यादा दक्षता किसकी होती है? आपके ट्रांसफार्मर की होती है। ध्यान रखना क्यों? क्योंकि एक तो कोई घूमने वाला भाग नहीं है, तो घूमने वाला भाग नहीं होने से जो मैकेनिकल लॉसेज हो रहे थे हमारे घर्षण की वजह से, ब्रश की वजह से, और वो सारी हानियाँ जो हमारी वो है इसमें से गायब हो जाती है। उसके बाद हम अगर बात करें दक्षता की, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि एक सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात करें, हम ना आइडियल की बात करें फिलहाल ना किसी और की, तो सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता की यदि मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखनी है 95 से लेकर के 98% तक होती है एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम, यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। आपको यदि एक सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछी जाती है तो सीधा फैक्ट है ये, रट लेना इसको, 95 से 98% होती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, दूसरा ट्रांसफार्मर आपका कौन सा होता है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता आपकी कितनी होगी? 100% होगी। आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता आपकी कितनी होती है? 100% होती है। और कोई भी चीज़ आपको पता है कि आइडियल नहीं हो सकती, ये एक प्रकार का क्या होता है काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता जिसकी जो है वो दक्षता जो है वो 100% हो। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको और विस्तारित कर देता हूँ मैं, कि यदि आप आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हो तो ऐसा ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 0 ओम होना चाहिए, जो कि पॉसिबल लगभग तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आदर्श ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 है तो आपको पता है कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होगा वो एक किसकी तरह काम करना चाहिए? प्योर इंडक्टिव परिपथ की तरह काम करना चाहिए। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में अलग प्रश्न पूछा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, लैगिंग चलती है या फिर पश्चगामी चलती है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी या फिर लैगिंग होती है। तो जब आपने वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 कर दिया, करंट आपकी 90 डिग्री पश्चगामी है, तो फिर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है
उसका पावर फैक्टर हमेशा ध्यान रखना कितना होता है, जीरो होता है। इधर लिख रहा हूं मैं, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की यदि बात की जाए तो आपका जो पावर फैक्टर पूछा जाएगा तो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। तो आदर्श जैसी कोई चीज़ लगभग नहीं होती है, ये काल्पनिक सोच है, क्योंकि कोई भी चीज़ में जीरो रेजिस्टेंस आप किसी भी वायर का यूज़ करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें लॉस जो है वो प्राप्त होंगे। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बताई मैंने आपको 95 से 98, आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श क्या, किसी भी चीज़ में आइडियल की बात करो आप तो 100% ही होगा। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता आपकी 100%, वाइंडिंग प्रतिरोध जीरो, और करंट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री लैग में चलती है, लैगिंग होती है, क्योंकि फिर यदि आप वो इंडक्टर की तरह काम करेगा, प्योर इंडक्टर की तरह काम करेगा, तो फिर उसमें करंट का मान जो है वो 90 डिग्री पश्चगामी होना स्वाभाविक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि यदि आपसे ऑटो ट्रांसफार्मर, आपने देखा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर आपका जो होता है वो स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। स्व प्रेरण, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना भाई। पीछे मैंने बताया था सह प्रेरण, सह का मतलब आपस में, तो ज़्यादा आप म्यूचुअल का ही ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में यदि प्रश्न आएगा तो वहाँ पर 3-4 शब्दों का यूज हो सकता है जो मैंने आपको बताए, अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण, ठीक है, पारस्परिक प्रेरण। तो इंग्लिश में हमेशा आपको क्या लिखा मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे सामान्य ट्रांसफार्मर काम करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है, स्व प्रेरण पर काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग होती है, उसी में से क्या किया जाता है, सेकेंडरी के रूप में जो है वो आपका टैपिंग के द्वारा जो है वो आउटपुट प्राप्त कर लिया जाता है। तो जब आप बेसिकली जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है, रोटरी स्विच लगे होते हैं उनके ऊपर घुमाने वाले, तो ये वाइंडिंग के टर्नों की संख्या को कम ज़्यादा करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, स्व प्रेरण के ऊपर ये काम करता है। स्व प्रेरण क्या होता है कि जब आप किसी कुंडली में एसी सप्लाई प्रदान करते हो तो उसके अंदर, उस कुंडली में स्वयं के अंदर ही क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, प्रेरण का गुण पैदा हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि जब आप उसी कुंडली में से कुछ टैपिंग निकाल रहे हो तो वो क्या करेगा, जितने हिस्से पे आप ले रहे हो उतने हिस्से पे वो आपको वोल्टेज जो है वो प्रदान करेगा। तो इस प्रकार जो है वो स्व प्रेरण के कारण जब वोल्टेज पैदा होती है तो वो ट्रांसफार्मर आपका कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब देखो एक चीज़ और होती है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज प्रायः नहीं किया जाता या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि बाय चांस आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो हमने एसी में से निकाली हुई है सेकेंडरी वाइंडिंग, वो कहीं से ओपन हो जाए, मान लिया यहाँ बीच में से ओपन हो गई, तो ओपन होने से क्या होता है, आपकी जो युक्ति है वो 100% यदि वोल्टेज उसकी उसके अकॉर्डिंग है, मतलब डिज़ाइन है, जैसे हमने ऑटो ट्रांसफार्मर से 100 वोल्ट की कोई युक्ति जोड़ रखी है, तो यदि हमारी वाइंडिंग ये बीच में से ओपन हो गई तो क्या होगा, आपको पता है कि खुले सिरों पर जो विभवांतर का मान होता है वो हमेशा आपूर्ति वोल्टेज के बराबर होता है। तो जितनी वोल्ट आप यहाँ प्रदान कर रहे हो वो पूरी की पूरी वोल्टेज आपकी यहाँ जो युक्ति जुड़ी होगी उसके ऊपर पहुँच जाएगी, और आपकी जो युक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो स्व प्रेरण के आधार पर काम करने वाले ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज बड़े लेवल पर नहीं करते हैं। ठीक है, दोष क्या है इसमें कि जो यदि बाय चांस सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो गई तो हमारी जो युक्ति है वो खराब हो जाएगी। प्रश्न हमारा कहाँ था, एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा था। तो स्व प्रेरण जो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसकी जो दक्षता होती है वो ध्यान रखना आप कितनी होती है, 99% होती है। क्यों, क्योंकि एक ही वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होने से एक वाइंडिंग ही कम होगी, तो जिससे क्या होता है कि जो थोड़ी एफिशिएंसी है इसकी वो इंक्रीज हो जाती है। तो दक्षता देखो कैसे हुई कि आपकी सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर की 100%, नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले उनकी 95 से 98%, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है आपका उसकी कितनी होती है, 99%। यदि पावर ट्रांसफार्मर पूछ ली, ठीक है, कौन से ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, तो
तो पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता आपको ध्यान रखनी है कि लगभग मानी जाती है 88 से लेकर के 92-93% तक, 88% से लेकर के 93% तक जो है वो पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता मानी जाती है। तो प्रश्न को पढ़ करके उत्तर देना है कि वो किसकी बात कर रहा है, पावर की कर रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर की कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कर रहा है, या फिर आपके जो है वो आदर्श ट्रांसफार्मर की कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक फैक्ट और बता देता हूँ बढ़िया, कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन और जो पावर ट्रांसफार्मर, सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन का बता देता हूँ, याद रखनी है आपको ये बात कि जो आपके 5 KVA से लेकर के 5 KVA से लेकर के 2000 KVA तक के, 5 KVA से 2000 KVA तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, और पावर ट्रांसफार्मर आपके क्या होंगे, पावर ट्रांसफार्मर पीटी लिख रहा हूँ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मत कर लेना इसको, पावर ट्रांसफार्मर है वो 2000 KVA से लेकर के कहाँ तक होंगे आपके 20000 KVA तक, ठीक है। तो जो पावर होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पावर ट्रांसफार्मर की पावर अधिक होती है 2000 से 20000 तक। सीधा प्रश्न यहीं से भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ से कहाँ तक और पावर ट्रांसफार्मर है जो वो कहाँ से कहाँ तक। तो मैंने आपको दक्षता के विषय में भी बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकारों के विषय में। तो प्रकारों के आधार पर ट्रांसफार्मर को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो वो आधार क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को बोल दिया जाता है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर, या शेल टाइप ट्रांसफार्मर, या बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, या फिर आपने देखा होगा वोल्टेज के आधार पर कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, या फेजों की संख्या के आधार पर आपने देखा होगा कि सिंगल फेज है या 3 फेज का है। तो इस प्रकार क्या होता है, अलग अलग उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर के आधार पर। तो कोर के आधार पर ध्यान रखना है आपको, ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, पहला कोर टाइप, दूसरा शेल टाइप, और तीसरा होता है आपका बेरी टाइप, ठीक है। कोर के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर्स कितने प्रकार के हो गए, पहला कोर टाइप, दूसरा शेल टाइप, और तीसरा होता है आपका बेरी टाइप। अब देखो तीनों की जो संरचनाएं होती है, काम तो वही होता है उनका, लेकिन संरचनाएं जो होती है वो अलग अलग होती है। वो संरचनाएं अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि जो लीकेज फ्लक्स होता है उसको कम करने के लिए जो बार बार क्या किया गया, उसमें आपका सुधार किया गया। तो पहले कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाए गए, उनमें लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा होता था, फिर आपके शेल टाइप आ गई, फिर आपके बेरी टाइप आ गई। तो इस प्रकार क्या होता है, उनमें विकास का रूप जो है वो लगातार बढ़ता रहा और आपका जो लीकेज फ्लक्स का मान है वो कम होता गया। तो कोर के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर कितने हो गए, कोर टाइप, शेल टाइप और बेरी टाइप। अब बात कर लेते हैं इनके अलग अलग किस प्रकार बांटा गया इनको। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल यूँ एक वाइंडिंग इधर कर दी गई और एक वाइंडिंग इधर कर दी गई, ठीक है। और ये बीच में क्या होती है आपकी लोहे की कोर होती है। अब हमारा प्रश्न ये नहीं है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो कोर होती है, ठीक है, ये कोर बनी किसकी होती है, सिलिकन स्टील की बनी होती है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है आपको कि जो कोर होती है वो आपकी सिलिकन स्टील की बनाई जाती है। जो पत्तियाँ, बेसिकली आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जब आप यूज करते हो तो जो ये हमारा कोर है वो सिलिकन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों की बनी होती है। अब प्रश्न ये बनता है,
कि पहली बात तो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई गई, दूसरी बात क्या उठती है कि लेमिनेटेड क्यों बनाया गया, तीसरा एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये पटलनों में, कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक हमारे पास में ये हमने मान लिया कोई टुकड़ा है, इस टुकड़े को क्या करेगा वो कई भागों में ऐसे पटलनों में काट 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 के छोटा छोटा बांटा होता है, तो पटलित भी होती है ये। अब तीनों का अपना अलग अलग क्या है काम है, तीनों की मैं बता रहा हूँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कुछ भी हमें याद नहीं रखना। कोर टाइप में क्या होता है, बस एक तरफ प्राइमरी और एक तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो पहला प्रश्न हमारा कि इसको सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि जो सिलिकॉन होता है वो आपका वो हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के काम आता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान रखना आप, हिस्टेरिसिस लॉस। जो सिलिकॉन का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारी हिस्टेरिसिस हानियाँ हैं हमारे ट्रांसफार्मर में वो क्या हो, कम से कम हो। अब देखो सिलिकॉन का भी यूज़ तो किया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि हम 50% सिलिकॉन ले लिया और 50% फेरस ले लिया, इस प्रकार भी नहीं होता, बहुत ही अल्प मात्रा मिलाई जाती है। कि जो स्टील होता है उसमें ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रतिशत जो है वो सिलिकॉन का यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से लेकर के 4% तक आपका क्या मिला होता है उसमें सिलिकॉन मिला होता है, 2 से लेकर के 4% तक आपका सिलिकॉन मिला होता है। सिलिकॉन के मिले होने से आपकी जो हिस्टेरिसिस हानियाँ होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या काम था कि उनको पटलित क्यों बनाया गया, मतलब छोटे 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 ऐसे पीस में क्यों बांटा गया, एक हम सॉलिड कोर का भी तो यूज कर सकते थे, तो उसका आंसर क्या होता है कि पटलित इसलिए बनाया जाता है कि जो आपके एडी करंट लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉसेज वो क्या होंगे, कम होंगे जब आप उसको पटलित बनाओगे। लेकिन यदि आप उसको पटलित नहीं बनाओगे, छोटे छोटे भागों में बांट करके नहीं बनाओगे, यदि मान लिया मैंने एक सॉलिड कोर ले ली, तो उसमें क्या होगा कि मेरी जो भंवर धारा हानियाँ होगी वो बढ़ जाएंगी, और भंवर धारा हानियों के बढ़ने से हीट पैदा होती है, और हीट और चुंबक का आपस में क्या है आपको संबंध पता है कि विपरीत संबंध होता है, तो हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी क्या होगी, घटेगी। तो पटलित करने से हमारा क्या हुआ कि जो एडी करंट लॉसेज थे वो बढ़ जाते हैं, सॉरी घट जाते हैं, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, पटलित बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कि लेमिनेटेड क्यों कोर होती है, सीधी भी तो यूज कर सकते हैं, तो लेमिनेटेड कोर को यूज करने का कारण ये होता है कि जो हीट होती है वो हीट कम से कम उत्पन्न हो, उस हीट को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लेमिनेशन का यूज किया जाता है। तो लेमिनेटेड पटलित सिलिकॉन स्टील की हमारी क्या बनी होती है, कोर बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों की मोटाई भी आपको ध्यान रखनी है। तो यदि हम बात करें 50 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की, तो लगभग 0.35 mm से लेकर के, सीधा फैक्ट है आपको याद रखना है, 0.5 mm तक जो है वो आपकी ये पत्तियों की क्या रखी जाती है, मोटाई रखी जाती है 50 हर्ट्ज तक के ट्रांसफार्मर में, 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक। तो इस प्रकार जो कोर होती है हमारी किसकी बनी होती है, लेमिनेटेड स्टील की, पटलित सिलिकॉन स्टील की होती है, ठीक है। अगला था हमारा शेल टाइप का ट्रांसफार्मर। शेल टाइप के ट्रांसफार्मर में महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना है आपको, कि शेल टाइप के ट्रांसफार्मर में जो दोनों वाइंडिंग होती है वो आपकी एक ही जो सेंटर होता है उसके ऊपर की होती है, कहने का मतलब इस बीच वाले हिस्से के ऊपर ही आपकी क्या की होगी, प्राइमरी वाइंडिंग, और इसी के ऊपर बाद में इसको इंसुलेट कर करके आपकी क्या कर दी जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी जाती है। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर आपका क्या कहलाता है, जो है वो
कौन सा कहलाता है? शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब बात करें कि एक प्रश्न एक बार पूछा गया था, अभी मैं बताना भूल गया आपको, कि पत्तियों की जो वो है शेप पूछ ली जाती है। तो शेल टाइप के ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो शेप की पत्तियां उनका यूज होता है। तो शेल टाइप को ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए आपकी ई और आई टाइप की पत्ती का यूज होता है, ठीक है। क्या किया जाता है, जैसे ई टाइप की एक कोई पत्ती ले ली, उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, फिर इधर एक कोई आई टाइप की पत्ती लगा दी जाती है इस प्रकार। तो ई और आई टाइप की पत्तियों को आपस में मिला करके आपका क्या बनाया जाता है, शेल टाइप का ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, ठीक है। और कोर टाइप में कौन सी पत्तियां होती है, एल टाइप की। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ऐसे एक एल टाइप की पत्ती ले लेते हैं और फिर एक इधर एल टाइप की पत्ती ले लेते हैं, इनको आपस में एक दूसरे पर रख करके फिर बाद में इधर क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में एल टाइप की पत्तियां और जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें ई और आपकी आई टाइप की पत्तियों का यूज होता है, ठीक है। अब देखो कि जो आपका कोर टाइप का ट्रांसफार्मर था उसमें फ्लक्स का लीकेज होता था वो ज़्यादा होता था। जैसे कोर टाइप का ट्रांसफार्मर यदि हम बात करें तो एक वाइंडिंग इधर थी एक वाइंडिंग इधर थी, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जब था वो बाहर की ओर फैल रहा था और इसका भी फैल रहा था, तो जिससे क्या था कि जो फ्लक्स का लीकेज था वो अधिक होता था। तो उसको दूर करने के लिए आपका शेल टाइप का ट्रांसफार्मर बना दिया गया। तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी का फ्लक्स होगा वो इधर और जो सेकेंडरी का फ्लक्स होगा वो इधर, इस कोर के अंदर ही क्या करेगा हमारा, घूमता रहता है। तो जिससे जो फ्लक्स का लीकेज होता है वो क्या होता है, कम होता है कोर टाइप की अपेक्षा। अब उसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें क्या बन सकता है, हमेशा ध्यान रखना कि सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में पहले मतलब कोर के ऊपर पहले कौन सी वाइंडिंग की जाती है, पहले हमेशा लो वोल्टेज की वाइंडिंग की जाती है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी पहले लो वोल्टेज साइड के ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होती है वो होती है, ठीक है। जैसे हमारा शेल टाइप का ट्रांसफार्मर अभी हमने देखा था कि ये जो बीच की कोर है इसके ऊपर पहले लो वोल्टेज की वाइंडिंग होगी और फिर उसके ऊपर जो है वो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होगी। तो पहले लो वोल्टेज की वाइंडिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि लो वोल्टेज की वाइंडिंग करने के लिए जो कोर के ऊपर हमें इंसुलेशन देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले लो वोल्टेज की वाइंडिंग होती है, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन होता है और फिर उसके ऊपर आपकी क्या होती है, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्स में लीकेज हो रहा था, तो उसको दूर करने के लिए जो है आपका बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर आ गए थे। इस प्रकार के यूं पत्तियां निकली होती थी उनमें, तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग आपके यूं कांचों में वो बंटी हुई पत्तियां होती थी, इनमें वो जो ट्रांसफार्मर होते थे वो आपके बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर थे। इनमें भी क्या किया जाता था कि जो ये बीच का भाग था इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती और ये पत्तियां जो सी जो निकली होती थी चारों तरफ, इनके अंदर आपका जो फ्लक्स है वो मूव करता था। तो जिससे क्या होता था कि बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी जो फ्लक्स का लीकेज होता है वो सबसे कम होता है। तो फ्लक्स का लीकेज यदि पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कोर टाइप में, उसके बाद शेल टाइप में और सबसे कम आपका होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं बेरी टाइप के आपके, ये छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं साइज में, छोटे साइज के ट्रांसफार्मर होते हैं। और यदि हम बात करें तो इसमें जो आपके कोर टाइप और शेल टाइप दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। उसके बाद एक प्रश्न का एक बार पूछा गया था कि इस पे वाइंडिंग कौन सी की होती है, तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी सिलेंड्रिकल वाइंडिंग की होती है। ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कौन सी की होती है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग की होती है। तो जब छोटे टाइप के ट्रांसफार्मर हैं तो यूज भी इसका कम किया जाता है, ठीक है।
तो ये हमारे कोर के आधार पे जो ट्रांसफार्मर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं वोल्टेज के आधार पर। तो वोल्टेज के आधार पर आपको पता है कि ट्रांसफार्मर एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए बात करते हैं स्टेप अप के बारे में। स्टेप अप में आपका क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न होते हैं वो कम और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा रखी जाती है। तो आपको पता है कि जो आपका जनरेट ईएमएफ होगा वो टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जिससे जो मान लिया हमने यहाँ पर 200 वोल्ट दे रहे हैं तो ये टर्नों के ऊपर निर्भर करेगा कि आउटपुट में वो हमें 200 वोल्ट से जो है वो अधिक वोल्टेज प्रदान करता है। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक हो तो उस प्रकार का ट्रांसफार्मर आपका क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या जो होती है वो कम रखी जाती है। तो जिससे क्या होता है कि जितना हम उसको इनपुट प्रदान करते हैं वो उस इनपुट का घटा करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो बस ये सिंपल सी चीज़ होती है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं कि अगले टाइप या अगला आधार क्या है जिसके आधार पर ट्रांसफार्मर को बांटा जाता है। तो अगला होता है आपका फेजों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो फेजों की संख्या के आधार पर पहला होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि दो बेसिक सिंपल वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिकतर देखे होंगे आपने सिंपल, जो 250 वोल्ट तक के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इनमें भी क्या होते हैं कि स्टेप अप टाइप के भी हो सकते हैं और स्टेप डाउन टाइप के भी हो सकते हैं। बात करें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज जो है वो ज़्यादा किया जाता है वर्तमान समय में। थ्री फेज की जो सप्लाई होती है उसको, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको करने के लिए तीन फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो थ्री फेज में क्या होगा, जो वाइंडिंगों के सेट होते हैं वो तीन होते हैं, एक दो तीन, इस प्रकार से। तो तीनों फेजों के लिए क्या किया जाता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो हमारे तीनों फेजों की वोल्टेज है वो एक साथ स्टेप अप होकर के आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। तो फेजों के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि जो व्यापारिक आधार होता है, व्यापारिक आधार पर आपके ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, पहला मैंने आपको बताया पावर और दूसरा मैंने आपको एक बताया था वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो अधिक केवीए की क्षमता के होते हैं और ज़्यादातर इनका जो यूज होता है वो लाइन के जो सिरे होते हैं, लाइन के जो एंड सिरे होते हैं वहाँ का वोल्टेज बढ़ाने या फिर घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये नहीं होता कि भाई ये ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के होते हैं, और सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में जो है वो आपके पावर ट्रांसफार्मर मिलते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो रेटेड क्षमता होती है वो आपकी कितनी होती है, 2000 केवीए से ऊपर ऊपर होती है। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ 2000 केवीए से लेकर के आपके कितने 20000 केवीए तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर जो आपके सब स्टेशन होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। तो 5 केवीए से लेकर के आपके 2000 केवीए तक की क्षमता के ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। उसके अलावा इनमें अलग चीज़ क्या होती है कि ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं, क्योंकि सब स्टेशनों पर जो वोल्टेज होती है उसको आपको पता है कि
स्टेप डाउन किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ज़्यादातर जैसे 33 kV आ रही थी, हमने पहले डायग्राम पढ़ा था, तो 33 kV को हम क्या करते हैं, 11 kV में डाउन करते हैं। तो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस टाइप के होते हैं, स्टेप डाउन टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, जबकि पावर वाले आपके स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में स्टेप डाउन टाइप के हो गए, उसके बाद और क्या होता है इनमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमेशा लोड से जुड़े रहते हैं। सब स्टेशनों पर आपने जो ट्रांसफार्मर देखे होंगे उनके ऊपर हमेशा है जो भार जो है वो लगा रहता है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। या फिर यदि मैं बात करूँ तो यदि आवश्यकता नहीं होती है तो पावर ट्रांसफार्मर को हम क्या कर सकते हैं, बंद भी कर देते हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमेशा इनमें क्या होते हैं, लोड से जुड़े रहते हैं। और लोड से जुड़े रहने के कारण आपको पता है कि जो लॉसेज होते हैं या आयरन लॉस और ये सब, ये क्या होते हैं, इनमें हर टाइम बने रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं इनको इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं हम कि जो इनमें आयरन लॉस होते हैं उनकी जो मात्रा हो वो क्या हो, कम हो, और जो इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, बनी रहे। तो यदि हम बात करें कि जो लोड होता है वो इनमें क्या हो, 50% से भी, जैसे आपने देखा होगा कि लोड का मान यदि वेरी कर रहा है तो हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता भी क्या होती है, कम ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैं बात करूँ जो प्रतिकर्षी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वजह से आपके हिस्टेरेसिस लॉसेज, एडी करंट लॉसेज या कॉपर लॉसेज आपके जो है वो धारा पे निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार वो लॉस भी क्या होते हैं, हमारे कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इस प्रकार डिज़ाइन करते हैं हम कि जो इनमें यदि 50% से भी कम लोड हो या 50% भी लोड हो तो भी हमारी जो एफिशिएंसी है वो ना गिरे, हमारे जो लॉस हैं वो ना बढ़ें, तो उनको इसी प्रकार से इनका डिज़ाइन किया जाता है। तो इसलिए ये विशेष प्रकार से डिज़ाइन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा जो है वो आपका क्या लगा रहता है, लोड लगा रहता है। तो ये जो होते हैं वो आपके आधार होते हैं जिनके ऊपर आपका ट्रांसफार्मर जो है वो बंटा होता है। तो सारे हमने पढ़ लिए, व्यापारिक आधार पर बता दिया मैंने आपको, फेजों की संख्या के आधार पर बता दिया और कोर के आधार पर बता दिया और वोल्टेज के वर्गीकरण के आधार पर। तो इतनी चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो अनुपात होता है उसके विषय में। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्नों का अनुपात होता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है। और ये जो अनुपात होता है वो आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा होती है उस वोल्टेज के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना, आपको बस इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो करंट होती है वही सिर्फ क्या होगी, उन सब से अलग होती है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन को या के का अनुपात किसके बराबर होगा आपका, जैसे मैंने लिखा ES बटा EP, ES का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न EMF, P का मतलब प्राइमरी में उत्पन्न EMF, NS बटा NP, या फिर हम बात करें VS बटा VP, तो वो बराबर किसके होगा, धारा हमेशा उल्टी हो जाएगी, IP बटा किसके, IS के। बस ये चीज़ ध्यान रखना आप, बाकी इसमें छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे वो आपको प्राइमरी वोल्टेज दे देगा, सेकेंडरी वोल्टेज दे देगा, एक साइड के टर्न दे देगा और दूसरी साइड के टर्नों की संख्या पूछ लेगा। तो अभी हम एक आधा सवाल ऐसा करके देखेंगे कि किस प्रकार इसमें प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों का अनुपात क्या कहलाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहलाता है। तो ध्यान क्या रखना है कि बाकी सभी चीज़ें ES, NS, VS ये सारी टर्नों पर निर्भर करती है और धारा जो आपकी है वो उनकी विपरीत होती है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही आप क्या करते हो, ये कोई सिंपल ट्रांसफार्मर हमने बना लिया, थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं इसको। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, इनका अनुपात क्या होगा, K होगा। तो जैसे ही हमने
इस प्राइमरी वाइंडिंग को आपने सप्लाई से जोड़ा, तो सप्लाई से जोड़ने से इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। तो जब आपने एक अल्टरनेटिंग करंट को जोड़ा है तो आपको पता है कि जो पोल होंगे वो लगातार कभी एन कभी एस कभी यहाँ एन कभी एन एस, तो इस तरीके से लगातार वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा फ्लक्स पैदा होता है, फाई पैदा होता है, वो भी आपको पता है यहाँ पर जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी आपका बदलने वाले स्वभाव का होगा, परिवर्तित होने वाले स्वभाव का होगा। तो जिससे क्या होता है कि जो फैराडे का नियम आपने देखा था कि या तो आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमा दो या चालक को स्थिर रह करके हम चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करें, तो उससे क्या होता है उसमें एक वोल्टेज पैदा होती है। तो यहाँ पर हमारा चालक तो स्थिर है, ये वाइंडिंग तो स्थिर है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कभी एन बन रहा है कभी एस बन रहा है कभी एन बन रहा है कभी एस बन रहा है, तो वो परिवर्तित हो रहा है। तो इतनी चीज आप मान के चलिए कि इसके अंदर भी क्या होगी, इस वाइंडिंग में भी एक क्या होती है, वोल्टेज पैदा हो जाती है, ठीक है। वो वोल्टेज आपकी क्या होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो ये वोल्टेज जब इसमें पैदा हुई तो लेंज के नियम के अनुसार जो चीज़ जिससे पैदा होती है वो उसी का विरोध करती है, तो ये वोल्टेज भी आपको पता है कि जो यहाँ अप्लाइड वोल्टेज होगी उसका विरोध करती है और जो होती है उसके बराबर होती है। तो यदि मैं बात करूँ कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में ये वोल्टेज होती है वो किसके कारण पैदा होती है, तो आपका आंसर होगा कि ये जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जैसा मैंने आपको बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न होती है। और ये जो वोल्टेज होगी वो आपकी किसके समान होती है, जो आपकी दी गई वोल्टेज होती है उसके समान होती है या उसके बराबर होती है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है वो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों के क्या होती है, अनुसार होती है। तो जो प्रत्येक टर्न की वोल्टेज होगी वो आपकी क्या होगी, प्राइमरी के केस में यदि हम बात करें तो वो आपकी हो जाएगी ईपी बटा एनपी। यही चीज़ होगी कि जो यदि मैं बात करूं प्रत्येक टर्न की वोल्टेज की तो वो आपकी टर्नों की संख्या के अनुसार होगी, तो ईपी बटा एनपी हो गया या ईएस बटा एनपी, सॉरी हमारा ईपी बटा एनपी हो गया। और यदि हम सेकेंडरी के केस में बात करेंगे तो हमारा वही क्या हो जाएगा, ईएस बटा एनएस हो जाएगा सेकेंडरी के केस में। तो जब हमारा यहाँ पर फ्लक्स पैदा हुआ तो इसमें एक वोल्टेज पैदा हुई, उस वोल्टेज ने इसी वोल्टेज का विरोध करती है और पूरी उसके बराबर होती है और टर्नों के ऊपर निर्भर करती है। अब ये फ्लक्स हमारा कोर के द्वारा होता हुआ यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पहुँचने पर देखो क्या होगा कि इधर की जो वाइंडिंग है उसमें भी वोल्टेज पैदा होगी, तो इधर की वाइंडिंग में भी वोल्टेज पैदा हुई तो इधर की वाइंडिंग में भी धारा प्रवाहित होती है। अब ये वोल्टेज भी क्या करती है, किससे पैदा हो रही है, जो यहाँ अप्लाइड वोल्टेज कर रहे हैं उसी से तो पैदा हो रही है, तो ये भी क्या होती है, इसी वोल्टेज का विरोध करने वाले स्वभाव की होती है। तो इसमें जो ये फ्लक्स के कारण वोल्टेज पैदा हो रही है उसका अनुपात भी कैसा होगा, बिल्कुल जैसा हमने प्राइमरी में देखा था, ईएस और कैसा होगा, एनएस के अनुपात के बराबर होगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होती है वो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होती है और प्राइमरी वाइंडिंग में जो होती है वो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होती है। तो इस प्रकार क्या होता है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है वो आपका काम करता है। अब देखो कि कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपका ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है तो नो लोड पर होने से क्या होगा कि जब हमारा यहाँ पर लोड नहीं है तो ये धारा तो लेगा नहीं, तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो नो लोड धारा का मान वो पूछ लेता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर की जो नो लोड धारा होती है वो फुल लोड धारा की 2 से लेकर के 5% तक होती है, 2 से लेकर के 5% तक होती है, ठीक है। नो लोड करंट हमेशा 2 से लेकर के 5% तक होती है फुल लोड धारा की। और प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा चुका है कि चुंबकन धारा या मैग्नेटाइजिंग करंट का मान कितना होता है। तो जब यहाँ पर हमारा कोई लोड नहीं लगा हुआ सेकेंडरी के ऊपर, यहाँ कोई लोड नहीं है हमारा, तो सिर्फ ये उतनी धारा लेगा जितनी कि इसको चुंबक बनाने के लिए आवश्यक है, तो वो धारा क्या कहलाती है आपकी, चुंबकन धारा या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाती है। उस करंट का मान यदि पूछे तो वो भी आपका कितना होता है, 2 से लेकर के 5% ही होता है। तो नो लोड करंट या चुंबकन धारा, प्रश्न को वो कैसे भी घुमाए, आपको ध्यान रखना है कि उसका मान कितना होता है, फुल लोड करंट का जो है आपका वो
2 से 5% होती है। ठीक है, अब हम एक चीज और बता दूं मैं आपको कि करंट हमेशा ध्यान रखना फ्लक्स की समानुपाती होती है। ठीक है, फ्लक्स की क्या होगी आपकी, समानुपाती होती है हमेशा, जो उत्पन्न करंट होती है करंट आपके समानुपाती होती है किसके, फ्लक्स के। तो जैसे जैसे फ्लक्स का मान आपका बढ़ेगा तो आपकी करंट भी बढ़ती है, और यदि आपका फ्लक्स का मान जो है वो घटेगा तो आपकी जो करंट होती है वो भी घटती है। ये भी ट्रांसफार्मर में आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज कि जो हमने K के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो हम उसको किस प्रकार लिख रहे थे कि ES बटा EP, NS बटा NP और इधर क्या लिख रहे हैं हम, IP बटा IS। तो देखो कि ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि यदि K का मान 1 से ज़्यादा हो, हम इनको क्या मानते हैं, के मानते हैं। ठीक है, तो के का मान यदि 1 से ज़्यादा हो या के का मान 1 से कम हो तो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। तो के का मान यदि 1 से ज़्यादा हो, जैसे हम ES बटा EP लिख रहे हैं, इसको मैं के मान रहा हूँ, तो इसका मान कब ज़्यादा आएगा, जब मेरे सेकेंडरी के टर्नों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, सेकेंडरी के मेरी वोल्टेज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस केस में मेरा के का मान जो है वो 1 से ज़्यादा आएगा। जैसे हमने सेकेंडरी में मान लिया 8 वोल्ट मिल रही है और प्राइमरी में 4 मिल रही है, तो 4 × 8 2 हमारा आ गया के का मान। तो जब भी के का मान 1 से ज़्यादा हो तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप अप प्रकार का होता है, और जब के का मान 1 से कम होता है वो किस केस में होगा, जब हमारी नीचे की जो टर्नों की संख्या या वोल्टेज है वो किस में हो, ज़्यादा हो, और जो सेकेंडरी के टर्न या वोल्टेज है वो हमारे कम हो, तो उस केस में हमारा मान के का मान 1 से कम आता है तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये भी हमारा एक प्रश्न बनता है कि जब के का मान ज़्यादा हो और के का मान कम हो तो ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा किस प्रकार का होगा। तो ये क्या कहलाता है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ धारा के विषय में धारा विपरीत होती है, बाकी आपको ऊपर सेकेंडरी जो भी चीज़ पूछी जाए उसमें ऊपर सेकेंडरी रखना है और नीचे प्राइमरी रखना है। धारा के बारे में जैसे ही बात आए तो उसको उल्टा कर देना है, ऊपर प्राइमरी और नीचे सेकेंडरी की धारा। अब एक चीज़ और, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज होती है वो आपकी टर्नों पर निर्भर करती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वोल्टेज प्रति टर्न क्या होती है ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो। तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो हमेशा समान होता है, हमेशा क्या होगा, समान होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रश्न रिपीट कर दिया उसने कि प्रश्न को वो कैसे पूछता है कि एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या दे देगा वो आपको, जैसे मैंने मान लिया प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 100 है और प्रति टर्न के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का मान जो है वो 2 वोल्ट है। तो जब टर्नों की संख्या 100 है, प्रति टर्न की वोल्टेज 2 है, तो कुल वोल्टेज वो कितनी पैदा कर रहा है, मान लिया 200। ठीक है, अब वो प्रश्न को घुमाने के लिए क्या कर देता है कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बता देगा, बोल देगा सेकेंडरी में टर्नों की संख्या 200 है तो उसकी वोल्टेज प्रति टर्न बताओ या वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना कि टर्नों की संख्या चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, एक टर्न जितनी वोल्टेज पैदा करता है वो प्राइमरी में भी उतनी करेगा और सेकेंडरी में भी उतनी वोल्टेज पैदा करता है। तो जब वोल्टेज प्रति टर्न उसने हमें बताया 2 वोल्ट है, तो चाहे हम टर्नों की संख्या 400 करें या टर्नों की संख्या 100 करें, वोल्टेज प्रति टर्न का रेशियो हमेशा कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्रति टर्न का रेशियो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो इस चीज़ का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर को देखते हो तो कुछ एक पार्ट होते हैं जो आंतरिक होते हैं और कुछ एक पार्ट होते हैं जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे देते हैं। जैसे हम बात करें तो मेन टैंक दिखाई दे देता है, जो आपका कंजर्वेटर टैंक होता है वो दिख जाता है हमें, जो ब्रीदर होता है वो दिख जाता है। तो अंदरूनी भागों में आपके क्या आ गई, जैसे कोर आ गई, वाइंडिंग आ गई, इंसुलेटिंग मटेरियल आ गया, ट्रांसफार्मर का तेल हो गया,
ये सब किस चीजों में आते हैं, जो इंटरनल पार्ट होते हैं। अब देखो कि एक जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इतनी बेसिक चीजें उसमें कम से कम होती होती है। जैसे आपकी एक कोर होगी, कोर का काम मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है। कोर का काम क्या होता है कि जो चुंबकीय परिपथ होता है उसको लो रेजिस्टेंस का मार्ग प्रोवाइड करती है, और जो फ्लक्स का लीकेज होता है उसको कम करती है। वाइंडिंग, वाइंडिंग क्या करेगी, आपकी वोल्टेज को उत्पन्न करेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग अलग अलग होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल, तो आपको पता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल का होना तो बहुत ज़रूरी है, तो जो वाइंडिंगों के बीच में होता है आपका, वहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का काम, कूलिंग का। टेप चेंजर होता है जो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज को अपने क्या कर सकते हैं, टेप चेंजिंग के द्वारा सेकेंडरी में लगा होता है, जो समायोजित कर सकते हैं। उसके बाद में आपका कंजर्वेटर, ब्रीदर, कूलिंग ट्यूब, बकोल्स रिले, एक्सप्लोजन वेंट। तो सबसे पहले हम एक ड्राइंग के द्वारा समझते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ कनेक्ट होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनके जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती है उन्हीं को पढ़ेंगे हम। जैसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है आपका बकोल्स रिले हो गया, ज़्यादा प्रश्न बकोल्स रिले से रिलेटेड आते हैं, ब्रीदर से आता है। तो ये तो जो बाकी की सिंपल चीज़ें हैं, मतलब कूलिंग ट्यूब का क्या काम होता है, तो ये प्रश्न तो वो पूछने से रहा, वो सभी को पता होता है। तो हम एक तो बकोल्स रिले को वो बढ़िया से पढ़ेंगे, कंजर्वेटर के बारे में बता दूंगा मैं आपको, और ब्रीदर के बारे में। एक्सप्लोजन वेंट भी आपको पता है ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, क्यों गैस निकलने के काम आता है, तो ये सभी को पता होता है। तो चलिए सबसे पहले एक ड्राइंग के द्वारा देखते हैं पार्टों के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें सारे पार्ट दिखाए गए हैं, तो बारी बारी से इन सब पार्ट को देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करें, ऊपर से शुरुआत करें, तो ये आपका कंजर्वेटर टैंक होता है, यहाँ पर सबसे ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर जुड़ा हुआ। कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, पाइपों के द्वारा मेन टैंक से जुड़ा होता है। उसके बाद आपके क्या पार्ट होते हैं, यहाँ पर ये आपके बकोल्स रिले जुड़ी होती है। बकोल्स रिले आपकी कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में होती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, बकोल्स रिले कहाँ जुड़ी होती है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में जुड़ी होती है यहाँ पर। इसके बाद ऊपर आपका क्या होता है, एक्सप्लोजन वाल्व होता है। एक्सप्लोजन वाल्व के अंदर क्या होता है, एक आपका डायफ्राम जो लगा होता है, जो कि जब ट्रांसफार्मर में ज़्यादा गैसें पैदा हो जाती है तो उन गैसों के कारण क्या होता है, फिर वो फट जाता है। और फटने से क्या होता है कि जो ज़्यादा गैसें बन गई थी, वो गैसें जो होती है वो बाहर निकल जाती है, और हमारा ट्रांसफार्मर है जो बिना क्षतिग्रस्त हुए काम करता रहता है। इसी तरीके से आपका इसके नीचे भी आपके टेम्परेचर गेज लगा होता है ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर दर्शाने के लिए, और टेप चेंजर होता है। एक टेप चेंजर का काम बेसिकली जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो वोल्टेज होती है आउटपुट में, उस आउटपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए टेप चेंजर का यूज किया जाता है। कूलिंग पाइप आप सभी को पता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो मेन पार्ट में आपका ऑयल इनलेट वाल्व हो गया, और ब्रीदर होता है आपका, अभी इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे अभी हम। ब्रीदर के अंदर आपकी सिलिका जेल होती है, और जो बुश होते हैं पोर्सलिन के, तो जिस साइड कम वोल्टेज होती है या स्टेप डाउन वोल्टेज होती है वहाँ पर एलटी पोर्सलिन बुशेज होते हैं, और जिधर हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उधर एचटी, जो आउटपुट की हाई वोल्टेज साइड होती है उधर एचटी पोर्सलिन बुशेज होते हैं। तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से सभी पार्ट की। तो अभी जो हमारा चित्र है उसमें आपको तीन पार्ट दिख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे पहले होता है ऊपर वो आपका कंजर्वेटर, उसके बाद में कंजर्वेटर के साथ में ब्रीदर लगा होता है, और उसके बाद में तीसरा पार्ट हमारा जो है वो बुशिंग है। तो तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो कंजर्वेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ड्रम के टाइप का एक छोटा टैंक होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। टैंक के अंदर क्या होता है कि आधा इसको तेल से भर दिया जाता है, और जुड़ा आपको पता है किससे होता है, ये मेन जो हमारा टैंक होता है उससे जुड़ा होता है। तो आपको पता है कि जब हमारा जो मेन टैंक होता है उस मेन टैंक का ऑयल गर्म होकर के ऊपर
की ओर आएगा तो वो क्या करता है कि पाइपों के द्वारा क्या करेगा, कंजर्वेटर में चला जाता है। तो कंजर्वेटर में जाने पर क्या होगा कि जब थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद में, जो हमारा मेन जो टैंक था, उस मेन टैंक में जब ऑयल ठंडा होगा तो क्या होता है कि वापस वही ऑयल कंजर्वेटर के द्वारा होता हुआ वापस मेन टैंक में आ जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो कंजर्वेटर का काम क्या है, एक प्रकार से जो तेल का फैलाव और जब तेल सिकुड़ता है तो उन दोनों कंडीशन में मेन टैंक में ये क्या करता है, ऑयल का जो है वो लेवल बनाए रखता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ब्रीदर, जिसको दर्शाया गया है, तो ब्रीदर क्या होता है कि एक छोटा सा सिलेंडर नुमा जैसे आपको दिख रहा है डिब्बा होता है, और ये क्या करता है आपका कि जो आपका कंजर्वेटर टैंक होता है, ये कंजर्वेटर टैंक के साथ जुड़ा होता है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस डिब्बे में क्या होती है कि सिलिका जेल भरी होती है। ये जो इधर आपको ये छोटा सा खांचा सा दिखाई दे रहा है, इस खांचे के अंदर से सिलिका जेल को देखा जाता है। तो इसके अंदर सिलिका जेल या फिर कई बार पूछा जाता है तो कॉपर, जो हमारा सल्फेट होता है, वो भी भरा हो सकता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके। तो ब्रीदर का काम क्या होता है कि जो हवा की, जब हमारा कंजर्वेटर में जो हवा लेता है, तो हवा लेते टाइम क्या होगा कि आपको पता है कि हो सकता है उस टाइम वातावरण नमी वाला हो, तो जब कंजर्वेटर हवा ले रहा है तो हवा लेते टाइम हवा की उस नमी को सोखने का काम कौन करता है, हमारा जो ये ब्रीदर होता है उसके अंदर जो सिलिका जेल भरी होती है वो करती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब यदि नमी हमारी इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी कंजर्वेटर टैंक के ऑयल के अंदर, तो हमारी जो वाइंडिंग है वो हमारी, आपको पता है कि तेल के अंदर ही डूबी होती है, तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो खराब हो सकता है नमी की वजह से। तो सिलिका जेल क्या करती है, उसको नमी को सोख लेती है। अब प्रश्न आपको ध्यान रखना है क्या कि सिलिका जेल का रंग पूछा जाता है, तो ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। तो जिसने मतलब सिलिका जेल को फिजिकली देखा हुआ है, या फिर यदि मैं बात करूं कि किताबों में जो लोकल ये किताबें हैं उनमें आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, हमें किसको फॉलो करना है, निम्मी पैटर्न की बुक को फॉलो करना है, निम्मी की जो ऑफिशियल बुक है उसको फॉलो करना है। तो मैं आपको बता दूं कि किताब को आप छोड़ दें, किताब में आपकी कुछ भी लिखा हो, कुछ किताबों में जैसे मैं देखता हूं कि नमी को सोख लेने पर उसका रंग हरा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उन सब से हमारा कोई मतलब नहीं है। रेलवे आपकी किसको मानेगी, निम्मी पैटर्न की बुक को मानेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल का जो रंग होता है, जब आपकी एकदम फ्रेश सिलिका जेल होगी, फ्रेश का मतलब बिल्कुल न्यू सिलिका जेल हम जब हम ब्रीदर के अंदर डालते हैं उसके टुकड़े, तो उनका रंग क्या होता है, सफ़ेद या फिर नीला, ये ध्यान रखना आप, सफ़ेद या नीला होगा फ्रेश सिलिका जेल का, ठीक है। आपकी कई किताबों मैंने देखा है कि इसको दे रखा है कि जब खराब हो जाए तब होता है, बिल्कुल गलत है वो। सिलिका जेल का जो रंग है वो क्या होता है, सफ़ेद या नीला होता है जब फ्रेश कंडीशन में होती है, और जैसे 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 वो नमी को सोखती जाती है तो हमारी जो सिलिका जेल होती है वो गुलाबी रंग की परिवर्तित हो जाती है। तो जब हमारी सिलिका जेल जो है वो पुरानी हो जाएगी या फिर नमी सोख लेने के बाद में जो हमारी सिलिका जेल का रंग होता है वो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो ध्यान रखना है, जब सफ़ेद होगी तो बिल्कुल फ्रेश सिलिका जेल होगी, और गुलाबी होने पर वो नमी सोख लेती है। उसके बाद तीसरा पार्ट हमने देखा था, बुशिंग होती है। तो बुशिंग का काम बेसिकली, जो आपने देखा होगा कि कनेक्शन जब हम करते हैं तो बॉडी के साथ में वायर का कनेक्शन ना हो, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि पोर्सलिन की बनी हुई बुशिंग होती है, वो बुशिंग क्या काम करती है, जो इंसुलेशन का काम करती है बॉडी और वायर जहाँ हम कनेक्ट करते हैं उन दोनों के बीच में। उसके बाद बात करते हैं हम अगले पार्ट की। तो अगला पार्ट आपका मेन क्या होगा कि एक एक्सप्लोजन वेंट होता है इसके अंदर। तो एक्सप्लोजन वेंट का क्या काम होता है कि जो आपका बेसिकली एक मुड़े हुए पाइप टाइप का होता है एक्सप्लोजन वेंट,
और ट्रांसफार्मर के जो ऊपरी भाग होता है उसके अंदर लगा होता है ऊपर की साइड में। तो जब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तेल गर्म होता है, तो उसकी जो गैस बनती है उन गैस को बाहर निकालने के लिए आपका क्या करेगा, एक्सप्लोजन वेंट काम आएगा। उसके बाद में टेम्परेचर गेज लगे होते हैं इस टाइप के, टेम्परेचर गेज हो गए, बुशिंग जो मैंने आपको बताई है बुशिंग हो गई। तो ये तो नॉर्मल जो है वो आपके पार्ट हो गए। उसके बाद मेन क्या होता है, उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो आपका ट्रांसफार्मर का तेल हो गया। तो ट्रांसफार्मर के तेल का यूज क्यों किया जाता है, आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको ठंडा रखने के लिए तेल का यूज होता है, क्योंकि जो वाइंडिंग होती है वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है उसमें हीट उत्पन्न होती है। तो हीट के कारण जो यदि हम किसी ऑयल का यूज या फिर किसी विधि का यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या है, सुचारू रूप से काम नहीं करेगा और वो क्या हो सकता है, जल भी सकता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो कुछ एक प्रश्न है वो आप ध्यान रखना। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी पदार्थ की जो है वोल्टेज को सहन करने की अधिकतम सीमा, उसके बाद में क्या होगा उसमें से धारा का चालन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो किसी कुचालक पदार्थ, तो जैसे हम बात करें ऑयल की, तो ऑयल भी एक प्रकार का इंसुलेशन का ही काम करता है। तो उससे क्या होगा कि यदि उसकी जो है वोल्टेज को सहन करने की क्षमता को वो हमारा लेवल पार कर जाता है तो उसके अंदर से क्या होता है, आपका धारा का चालन होना शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि एक ट्रांसफार्मर की ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, परावैद्युत सामर्थ्य, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मिनिमम, प्रश्न को पढ़ करके जवाब उत्तर देना है कि वो न्यूनतम पूछ रहा है या एक मतलब अच्छे तेल की सामर्थ्य पूछ रहा है। तो यदि आप ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज कर रहे हो तो उसकी मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 40 किलोवोल्ट प्रति एमएम होनी चाहिए, क्योंकि परावैद्युत सामर्थ्य को किस में दर्शाया जाता है, किलोवोल्ट प्रति एमएम के अंदर। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि एक अच्छे तेल की, ये तो हो गया कि मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए 40 किलोवोल्ट प्रति एमएम, तो इससे अगर कम है तो वो तेल हमें यूज करना ही नहीं है। लेकिन यदि एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल की परावैद्युत सामर्थ्य पूछी जाए तो वो आपकी कितनी होती है, 70 से 75 किलोवोल्ट प्रति एमएम के अंदर क्या होती है आपकी एक अच्छे ट्रांसफार्मर ऑयल की, जो गुड ऑयल होता है या बढ़िया ऑयल होता है उसकी जो है वो परावैद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए। तो दो फैक्ट ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में कि यदि हम बात करें कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आपको पता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो लोड से जुड़े हुए होते हैं, और लोड से जुड़े होने के कारण क्या होता है उसमें जो लॉसेज होते हैं वो भी होते रहते हैं। तो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट भी पैदा होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो हीट की वजह से जो हमने वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन किया था वो इंसुलेशन हमारा खराब हो सकता है, हमारी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो सकती है, हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो इन सब कारणों के कारण क्या होता है, हमें ट्रांसफार्मर को जो है वो कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो कूलिंग के लिए देखो एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि तेल के द्वारा, अन्य भी होते हैं, मतलब छोटा ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर क्या होता है, सीधा वो जो नेचुरल एयर होती है उसी के द्वारा ठंडा होता रहता है। कुछ एक ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें क्या किया जाता है कि जो एयर के प्रेशर के द्वारा ठंडा किया जाता है उनको, और कुछ क्या होते हैं अपने आप नेचुरल एयर के द्वारा ठंडे होते रहते हैं। कुछ में क्या होता है कि तेल में डूबी हुई वाइंडिंग होती है जैसा हमने अभी पढ़ा था, और कुछ में क्या होता है कि जल के द्वारा उनको ठंडा किया जाता है। तो फैक्ट वाइज प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी किताबों में कुछ भी लिखा हो उससे हमें मतलब नहीं है, मैं आपको पूरी ऑफिशियल बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो प्राकृतिक वायु नेचुरल एयर के द्वारा जो ट्रांसफार्मर जिसमें कूलिंग यूज की जाती है, नेचुरल एयर कूलिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 15 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में,
15 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में किस मेथड का यूज करते हैं कूलिंग के लिए? नेचुरल एयर मेथड का। ठीक है, कुछ नहीं होता कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बाहरी भाग में जो यूं तिरछे आड़े तिरछे से डक्ट बना दिए जाते हैं, तो हवा उन डक्ट के अंदर से क्या करती है, वाइंडिंग के ऊपर मतलब उस भाग में पहुंचती है, वाइंडिंग के अंदर नहीं जाती, वाइंडिंग के मतलब जहां जो हमारा हिस्सा थोड़ा होता है उस बाहरी सरफेस पे पहुंचती है, और उस वाइंडिंग की जो हीट है उसको लगातार क्या करती है, ठंडा करती रहती है। तो वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमें क्या ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेचुरल एयर कूलिंग मेथड का यूज कितने केवीए तक के ट्रांसफार्मर में किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू निम्मी दिस इज 15 केवीए, और अन्य बुकों में आपको यदि मैं बात करूं तो 10 केवीए भी लिखा हुआ मिलेगा। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि यदि 15 केवीए दिया हुआ है तो 15 पे ही करोगे आप टिक, वरना 10 केवीए अदर बुक में दिया होता है। पहला मेथड हो गया हमारा। दूसरा यदि मैं बात करूं कि जो नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड होता है तेल के द्वारा जो, तो नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड का यूज आपको बता दूं मैं, जो 100 केवीए तक के ट्रांसफार्मर होते हैं, 15 से ऊपर और 100 केवीए तक के जो ट्रांसफार्मर है उनके अंदर किसका यूज किया जाता है, नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड का। तो नेचुरल ऑयल कूलिंग में आपको पता है क्या सिस्टम होता है कि नॉर्मल घरों के पास आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे कि पाइपें निकली होती है मुड़ी हुई, तो जब क्या होता है कि इस विधि में ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसको तेल में डाल करके ठंडा किया जाता है, क्योंकि जब वाइंडिंग हमारी गर्म होती है तो हमारा जो तेल है वो क्या करेगा, फैलता है, और फैलने से क्या होता है कि जो तेल है वो जो कूलिंग पाइपें लगी हुई उन कूलिंग पाइपों के से होकर के गुजरेगा। तो जब कूलिंग पाइपों के अंदर से होकर के गुजरता है तो आपको पता है कि जो गर्म तेल है वो तो निकल गया, और उसकी जगह पर क्या होता है, लगातार ठंडा तेल सर्कुलेट होता रहता है, और जो गर्म तेल था वो बाहर हवा के कारण क्या होता है, फिर से ठंडा हो जाता है। तो इस विधि में सर्कुलेशन लगातार क्या होगा, बना रहता है। तो इस प्रकार हमारी जो वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस को नहीं करती। तो नेचुरल ऑयल कूलिंग अकॉर्डिंग टू निम्मी 100 केवीए तक के ट्रांसफार्मर पर यूज की जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर होते हैं, 500 केवीए, ये ध्यान रखना, 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में आपकी ऑयल ब्लास्ट मेथड और जो आपका जल शीतलन वाटर कूलिंग, ऑयल ब्लास्ट मेथड और वाटर कूलिंग मेथड का यूज किया जाता है, जल शीतलन या ऑयल ब्लास्ट विधि का यूज किया जाता है। तो बात करें यदि हम वाटर कूलिंग मेथड क्या होता है, तो वाटर कूलिंग मेथड में क्या होता है कि पहली चीज़ तो वही कि आपका ट्रांसफार्मर होगा और ऑयल जब गर्म होगा तो पाइपों के अंदर से जा रहे हैं, तो छोटी क्षमता के जो ट्रांसफार्मर थे उनमें तो ऑयल हमारा क्या हो रहा था, सर्कुलेट होकर के जब आता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, कूल हो जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि जो बड़े, जैसे मैंने बात की 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर, तो उनमें क्या होता है कि जब आपका ऑयल जो है वो पाइपों के द्वारा सर्कुलेट हो रहा होता है तो उन पाइपों पर क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है, और पानी डालने से आपको पता है कि जब पाइप ठंडी होगी तो उसके अंदर जो ऑयल सर्कुलेट हो रहा है वो भी क्या होता है, हमारा ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये मेथड ज़्यादातर जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका होता है वाटर कूलिंग मेथड। उसके बाद यदि मैं बात करूँ ऑयल ब्लास्ट मेथड की, तो ऑयल ब्लास्ट मेथड में देखो क्या होता है कि जो आपका ट्रांसफार्मर का टैंक होता है उसमें आपको पता है कि वाइंडिंग जो होती है वो तेल के अंदर डूबी होती है, तो इसमें क्या किया जाता है इस मेथड के अंदर कि ट्रांसफार्मर के साथ में क्या कर देते हैं, एक रेडिएटर और जोड़ देते हैं। तो जो आपका रेडिएटर है वो रेडिएटर क्या करता है, रेडिएटर के द्वारा ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, जो एयर होती है उस एयर के प्रेशर से ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो ऑयल होता है उसको टैंक तक पहुंचाते हैं। तो जहां पर क्या होता है कि ये जो हमारी एयर होती है वो गर्म तेल और वाइंडिंग जहां पर हमारी गर्म हो रखी है वहां वो पहुंचती है, तो वो उसको क्या करती है, ठंडा करती जाती है, और इससे क्या होता है, लगातार हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ठंडा होता रहता है।
तो बेसिकली 500 केवीए से अधिक क्षमता के भी ट्रांसफार्मरों में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं ट्रांसफार्मर के ऑयल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। उसके बाद में कुछ एक चीज़ें और होती है कि यदि हम बात करें कि ट्रांसफार्मर तेल का फ्लैश पॉइंट क्या होता है, ज्वलन बिंदु, तो वो मिनिमम अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। तो ये माना जाता है कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है कम नहीं होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर तेल का क्या है आपका फ्लैश पॉइंट होता है। उसके बाद में फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर ऑयल की, तो उसको चेक करने के लिए भी आपका एक क्या होता है ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टर होता है। तो उसके विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टर की संरचना यदि मैं आपको बताऊं तो एक क्या होगा उसमें स्टेप जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो ऑयल टेस्टर होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ऑयल टेस्टर में क्या होता है ये आपका एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जैसे हम यदि बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका एक जो वेरिएक होता है वेरिएबल एसी ड्राइव उसकी तरह काम करता है। तो उसके साथ में क्या किया जाता है कि जो हमारा जिस ट्रांसफार्मर की ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने चेक करनी है, ये आपका एक प्रकार का मान लिया हमने वेरिएबल ड्राइव है, डिमर स्टेट होता है बेसिकली यदि हम इसकी नाम की बात करें तो डिमर स्टेट बोला जाता है इसको। तो यहाँ हम क्या जोड़ देते हैं एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो हम यहाँ जोड़ते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में यदि मैं बात करूं तो दो क्या होते हैं इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं। एक मान लिया मैंने ये इलेक्ट्रोड और एक यहाँ पर आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, तो ये आपका एक प्रकार का कंटेनर होता है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टर के विषय में, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि किस प्रकार ऑयल जो है वो चेक किया जाता है। तो आपने देखा होगा, यदि लैब में नहीं देखा तो समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए काम में आता है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप का मतलब कि धीरे धीरे एक प्रकार का वेरिएबल या आप बोल सकते हो वेरिएक टाइप में होता है, जिसमें क्या होता है कि डिमर स्टेट का यूज किया जाता है, डिमर स्टेट जिसको बोला जाता है। तो जो ये एसी सप्लाई होती है इस एसी सप्लाई को कम करने के लिए वो डिमर स्टेट हमारा काम करता है। तो जो उपकरण होता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टर उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। उन इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं जो जिस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ दिया जाता है और प्राइमरी वाइंडिंग को क्या कर दिया जाता है हमारा जो वेरिएक के द्वारा या जो हम बात करें डिमर स्टेट के द्वारा जो हम सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर इनके साथ में एक क्या जोड़ दिया जाता है वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है। अब देखो वर्किंग क्या होती है कि जो हमारी ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, इन इलेक्ट्रोडों को जो है वो 3 से 5 mm की दूरी पर क्या कर दिया जाता है सेट कर दिया जाता है, 3 से 5 mm की दूरी पर। और सेट करने के बाद में क्या होगा कि ये जो हमारा डिमर स्टेट होता है, डिमर स्टेट के द्वारा पहले धीरे धीरे वोल्टेज कम दी जाती है प्राइमरी वाइंडिंग को, तो प्राइमरी को कम देने पर सेकेंडरी में भी वोल्टेज कम पैदा होगी। उसके बाद में धीरे 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 वोल्टेज को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज का मान जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ हमारा ऑयल भरा होता है, इसके अंदर एक मतलब कंटेनर होता है, उस कंटेनर में ऑयल होता है और उस कंटेनर के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जब एक ट्रांसफार्मर की जो है वो ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक वो रीडिंग पहुंच जाएगी, इस वोल्टेज का मान पहुंच जाएगा, तो यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या होती है स्पार्किंग होती है। तो जब वो स्पार्किंग हो गई तो उस स्पार्किंग का मतलब ये हो गया कि उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी ऑयल की वो अब क्या हो गई ख़त्म हो गई, या फिर वो अब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ये वोल्टेज जो थी वो पार कर गई। तो जब वो स्पार्किंग होती है उस स्पार्किंग से जस्ट पहले की जो वोल्टेज होती है वो उसकी क्या कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है और उसको क्या करते हैं हम नोट कर लेते हैं। तो ये आपका एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टर की भी वर्किंग होती है। सिंपल एक कंटेनर होगा, आप देख लेना
आईटीई में हो तो आईटीई में तो देखा ही होगा आपने, एक कंटेनर होता है, कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, थोड़ा सा तेल उसमें डाल देते हैं, इलेक्ट्रोडों को डुबो देते हैं, और यहाँ एक सेकेंडरी वाइंडिंग जोड़ दी जाती है इलेक्ट्रोडों के साथ में, इंटरनल सर्किट होता है ये तो सारा। यहाँ तेल भर दिया जाता है और यहाँ जो है वो ऊपर रोटरी स्विच टाइप में लगा होता है, उसको लगातार घुमाते जाते हैं, तो जिस एक वोल्टेज के बाद में यहाँ स्पार्किंग होती है उससे पहले की वोल्टेज उसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ट्रांसफार्मर के एक महत्वपूर्ण पार्ट की, जिसका नाम होता है बकौल रिले। तो सबसे पहला प्रश्न कि बकौल रिले जुड़ी कहाँ होती है, पहले मैं अब आपको बता चुका हूँ कि ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है कि बकौल रिले जुड़ी कहाँ होती है। तो जुड़ने का आपको ध्यान रखना है कि आपका कंजर्वेटर हो गया, कंजर्वेटर आपका पाइप के द्वारा मेन टैंक से जुड़ा होता है, और मेन टैंक के अंदर जो है वो आपका ऑयल भरा होता है, और कंजर्वेटर के अंदर भी ऑयल होता है, तो कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में जो पाइप होती है उसके अंदर जो है हमारी बकौल रिले फिट की जाती है। बकौल रिले की वर्किंग समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक रिले क्या होती है सबसे पहले तो हमें यह बात जाननी जरूरी है। तो रिले आपको पता है कि एक फॉल्ट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस होती है, या फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस होती है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, पावर सिस्टम को सर्किट ब्रेकरों के द्वारा ट्रिप कराने में किया जाता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि रिले क्या करती है, खुद सर्किट को ट्रिप नहीं करा सकती, रिले का काम क्या है, फॉल्ट को सेंस करना है। फॉल्ट आ गया, फॉल्ट को उसने सेंस किया, सेंस करके वो किसको कमांड देगी, फिर जो सर्किट ब्रेकर होता है उनको, तो सर्किट ब्रेकर हमारा क्या करेगा, सिस्टम जो पावर सिस्टम है उसको ट्रिप करने का काम करता है। तो जब कभी फॉल्ट आता है तो रिले उस कंडीशन में हमारी जो है वो एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। आपको ध्यान रखना है कि रिले एक फॉल्ट डिटेक्टिंग डिवाइस होती है, जिसका काम क्या होता है, फॉल्ट आने की कंडीशन में पावर सिस्टम को ट्रिप करना और जो उपकरण हमारा है उसकी रक्षा करना। तो बात करते हैं बकौल रिले के बारे में। तो बकौल रिले में क्या होता है कि मरकरी स्विच का यूज किया जाता है, दो मरकरी स्विच होते हैं, पार्ट आपको सबसे पहले दिख रहे होंगे कि जैसे इसने बताया कि ये मेन टैंक की तरफ, ये हिस्सा मेन टैंक का और ये हिस्सा आपका कंजर्वेटर का, बीच में ऑयल है क्योंकि ये पाइप का हिस्सा दिखाया हुआ है, ये आंतरिक संरचना दिखाई हुई है उसकी। अंदर उसमें क्या होता है देखो कि दो सर्किट बने होते हैं, एक तो ये सर्किट हो गया आपका, ये सर्किट आपका जुड़ा होता है ट्रिप जो सर्किट होता है उससे जुड़ा होता है, यहाँ अलार्म सर्किट लिखा हुआ है ये गलत है, ये जो सर्किट होता है आपका, ये जो ट्रिप कराने वाला सर्किट होता है उससे जुड़ी होती है ट्रिप कॉइल के साथ में, और जो ऊपर का जो आपका सर्किट होता है वो आपका अलार्म सर्किट होता है। जब बकौल रिले का काम आपको पता है कि जब मान लिया हमारे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या यदि हम बात करें कि हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा तेल है वो तेल क्या करता है, गर्म होता है, गर्म होने से क्या होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो गैसें बनती है, तो गैसें बनने से क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा कि जब हीट ज़्यादा पैदा हो रही है तो उन गैसों के कारण क्या हो सकता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो है वो फॉल्ट आ सकते हैं, या फिर ज़्यादा हीट के कारण हमारा इंसुलेशन जो है वो ख़राब हो सकता है, हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए ये रिले काम करती है। अब देखो कि पहला ऊपर वाला जो ये फ्लोट वाल्व लगा हुआ है, आपको फ्लोट दिखाई दे रहा है, और ये जो मरकरी स्विच लगा होता है, मरकरी स्विच ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये जो मरकरी स्विच होता है ये बेसिकली एक गैस ऑपरेटेड स्विच होता है, गैस ऑपरेटेड मरकरी स्विच होता है। तो जब हमारा जो तेल है वो गर्म हुआ, तो गर्म होने से इसमें गैस बनती है। अब आप देखोगे एक चीज कि अब आप कहोगे कि यहाँ तेल गर्म हो रहा है तो पहले तो ये ऑपरेट होना चाहिए, तो अलार्म वाला तो पहले होना था, तो ऐसा नहीं होता कि जब हमारी जो गैस पैदा होती है तो बेसिकली इसके अंदर जो गैस पैदा होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस आपको पता है कि क्या होती है कि लाइटर होती है, मतलब हल्की होती है, तो वो क्या करती है, ज़्यादा ऊपर की ओर जाती है। तो जब हमारी यहाँ पर मान लिया मैंने गैसें पैदा हुई, तो वो गैसें यहाँ जाती है और इस फ्लोट को क्या करेगी, वो उठा देती है ऊपर की ओर। तो फ्लोट के उठने से ये जो हमारा अलार्म सर्किट होता है
ये अलार्म सर्किट क्या होता है, ऑपरेट हो जाता है तो जो हमारा ऑपरेटर होता है या फिर जिस कक्ष में इसकी जो लैंप लगा होगा या फिर अलार्म लगा होगा वो दोनों क्या करते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं। तो मान लिया कि यदि ऑपरेटर ने उसको देख लिया तो वो आ जाएगा वहां पर भागकर और उस ट्रांसफार्मर को क्या करेगा, सर्विस से आउट कर देगा और उसके कनेक्शन जो है वो हटा देगा। लेकिन बाई चांस ट्रांसफार्मर में मान लिया हमने भारी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो भारी शॉर्ट सर्किट के केस में अगर सिर्फ हम इसका यूज करेंगे अलार्म का, तो हो सकता है कि ऑपरेटर वहां पर उसने ध्यान ना दिया हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो खराब हो सकता है। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उसने दे दी, कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है कि जो हमारा नीचे का जो ये दूसरा मरकरी स्विच होता है और फ्लोट वाल्व होता है, ये जब शॉर्ट सर्किट होने के कारण ज्यादा बहुत ज्यादा गैसें पैदा होती है तो ये इस वाल्व को इधर की ओर धक्का मारता है, तो धक्का मारने से जो हमारा इधर जो मरकरी स्विच जुड़ा होता है वो मरकरी स्विच भी क्या होता है हमारा, ऑपरेट हो जाता है। तो ये जो हमारी कॉइल होती है ये सीधी जा करके ट्रिप सर्किट के साथ में जुड़ी होती है, यहाँ अलार्म सर्किट लगा हुआ है ये गलत है, ट्रिप सर्किट होता है उस ट्रिप सर्किट के साथ में ये जुड़ी होती है और उस ट्रिप सर्किट को ये क्या कमांड देगी कि इस युक्ति को हमें परिपथ से अब हटा देना है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो सर्विस से बाहर हो जाता है और जो उसके अंदर की जो गैसें वगैरह होती है वो सारी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। तो बकोल्स रिले के काम आपको ध्यान रखने हैं, क्या काम होता है कि शॉर्ट सर्किट के केस में या ट्रांसफार्मर के अंदर जब अधिक हीट पैदा होती है तो उससे बनने वाली गैसें से जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसको जलने का से बचाने के लिए क्या होती है, हमारी बकोल्स रिले काम आती है। फंक्शन सिंपल दोनों के, दो वाल्व लगे होते हैं, मरकरी स्विच लगे होते हैं। मरकरी स्विच कौन से होते हैं, गैस ऑपरेटेड होते हैं। पहले क्या होगा, आपका अलार्म वाला ऑपरेट होगा जब हल्की फुल्की उसमें क्या है गैसों की प्रक्रिया, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं है लेकिन हमारी वाइंडिंग ज़्यादा गर्म हो रही है तो ये ऑपरेट होता है। लेकिन यदि उसमें शॉर्ट सर्किट पैदा हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर तेल होगा उसका डिकम्पोजिशन होना शुरू होगा और डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होगी, ज़्यादा गैसें पैदा होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा ये वाला फ्लोट वाल्व जो है वो और जो मरकरी स्विच होता है वो ऑपरेट होता है और जो हमारा जो ट्रिप सर्किट है वो काम करना शुरू कर देता है और जो हमारा युक्ति है वो बच जाती है उस कंडीशन में जलने से या फिर भारी उसको क्षति होने से। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जो है वो इसके पार्ट थे ट्रांसफार्मर के, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है, ऑयल गेज होता है, टेप चेंजर मैं आपको बता चुका हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए। उसके अलावा ड्रेन वाल्व भी आपने देखा होगा कि जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर का, उस तेल को जब हम चेंज करते हैं तो उस ड्रेन कोक के द्वारा क्या करते हैं उसको खोलते हैं तो उससे वो जो अंदर का तेल होता है वो बाहर आ जाता है और उसके बाद में जो ऑयल इनलेट वाल्व होता है उसके द्वारा उस तेल को, दूसरा जो तेल होता है वो नया उसमें डाल दिया जाता है। तो ये सारे ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे जो ट्रांसफार्मर में लॉसेज क्रिएट होते हैं उन लॉसेज के विषय में। तो लॉस की यदि मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर में जो होते हैं वो दो प्रकार की हानियां होती है, आपको पता है। एक तो वो हानियां जो नो लोड से लेकर के फुल लोड तक क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब स्थिर रहती है। तो पहली यदि हम हानि की बात करें तो वो आपकी हो गई स्थिर हानियां। स्थिर हानि आपकी लगभग क्या होती है, वोल्टेज पर डिपेंड होती है ये माना जाता है। और दूसरी हमारी हो गई अस्थिर हानियां। अस्थिर हानियां हमारी किस पर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो हानियां होती है अस्थिर हानियां, ये क्या करती है, लोड के अनुसार वेरी करती रहती है, ठीक है, लोड पर निर्भर करती है। लेकिन स्थिर हानियां नो लोड से लेकर के फुल लोड तक क्या होती है, स्थिर रहती है। तो स्थिर हानियों के अंतर्गत आपको पता है कौन सी हानियां आएगी हमारी, जो आयरन लॉसेज होते हैं वो हानियां हो गई, जैसे हिस्टेरिसिस लॉस हो गया, एडी करंट लॉस हो गया। तो स्थिर हानियों को बोला जाता है लो हानियां, और जो अस्थिर हानियां होती है उनको बोला जाता है कॉपर लॉसेज, क्योंकि कॉपर लॉसेज आपका आई स्क्वायर आर होता है वो निर्भर करता है आपके करंट के ऊपर।
तो वो नो लोड से लेकर के फुल लोड तक लगातार क्या करता है, वेरी करता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो हमारी स्थिर हानि होती है उसके विषय में। तो स्थिर हानि मैंने आपको बता दिया कि आयरन लॉसेज दो प्रकार के होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया हिस्टेरिसिस हानि, और दूसरी आपकी होती है एडी करंट। हिस्टेरिसिस हानि यदि मैं बात करूं तो हमारी क्या होती है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आते हैं, मतलब जो हमारा अल्टरनेटिंग टाइप का होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी सप्लाई पर काम कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग स्वभाव के कारण आपको पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी लगातार क्या करता है, परिवर्तित होता रहता है। तो उसके परिवर्तन के कारण जो हानियां क्रिएट होती है वो हिस्टेरिसिस हानि कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिस्टेरिसिस हानि किसकी वजह से क्रिएट होती है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद में जो एडी करंट लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉसेज आपके जो कोर होती है, कोर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट के प्रवाह के कारण क्रिएट होते हैं। तो उस करंट को या उस क्षेत्र को बोला जाता है प्रतिकर्षी चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिकर्षी चुंबकीय क्षेत्र, या फिर उसको लिखते हैं रिपेलेंट चुंबकीय क्षेत्र, रिपेलेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ध्यान रखना आप कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो हो रही है वो हिस्टेरिसिस लॉसेज होती है, और प्रतिकर्षी चुंबकीय क्षेत्र या रिपेलेंट चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो होती है वो हानियां आपकी क्या कहलाएगी, एडी करंट लॉसेज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब हम, सबसे पहले हमारी जो हानि है हिस्टेरिसिस हानि की। तो यदि हम पहले बात करें तो जो आपके कॉपर लॉस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो स्थिर हानियां होती है वो कम होती है। तो ये माना जाता है कि जो कॉपर लॉस होते हैं वो एक ट्रांसफार्मर में 70-80% तक होते हैं, और जो ये हमारी स्थिर हानियां होती है वो 20-30% तक होती है। तो हिस्टेरिसिस हानि देखो क्या होती है, हिस्टेरिसिस हानि में क्या होगा कि जैसे हमने जो हमारे ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है, तो ये कोई कोर हो गई, कोर के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, वाइंडिंग की हुई है, और यहाँ हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा कि जब मैं बात करूँ एसी सप्लाई की, अल्टरनेटिंग करंट की, तो आपको पता है कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समय के साथ में लगातार क्या होगा, परिवर्तित होता रहता है। तो परिवर्तित होने का मतलब कि एक बार इधर N बनेगा, एक बार इधर N बनेगा, कभी इधर ऐसा आएगा, कभी इधर ऐसा आएगा। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो भी लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज एक सेकंड में 50 बार वो अप डाउन होती रहती है। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा मटेरियल हमने यूज किया है उस मटेरियल के जो अणु होते हैं वो अणु भी क्या करते हैं, आपस में फिर चेंज होते रहते हैं। तो अणुओं में क्या होता है, लगातार क्या होता है, चेंज होता है, और अणुओं में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में भी चेंज हो रहा है। तो हिस्टेरिसिस जो हमने चुंबक का चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हिस्टेरिसिस वक्र हमने देखा था, बीएच कर्व जिसको बोला जाता था। तो एक बार क्या होता है कि फ्लक्स की दिशा इस दिशा में होगी, मान लिया हमारा फ्लक्स, फिर क्या होगा हमारा फ्लक्स इस दिशा में। तो ये प्रक्रिया काफी तेजी से होती है, तो तेजी से होने के कारण क्या होता है कि कुछ एक जो फ्लक्स होता है या फिर जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, वापिस उतनी गति से नहीं मुड़ पाते, या फिर वापिस जो है वो समाप्त नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो हमारी जो आयरन की कोर होती है उस कोर के अंदर जो है वो हीट पैदा करता है। तो वो हीट के कारण क्या होगा कि हमारा जो चुंबकत्व होता है मैग्नेटाइजिंग, वो क्या होती है, कम हो जाती है। और जो चुंबकत्व कम क्यों होता है, वो आपको पता है कि हीट के साथ में चुंबक का विपरीत संबंध होता है। तो जिससे क्या होगा कि हमारी जो आयरन कोर होगी उसमें गर्मी पैदा होगी, और गर्मी पैदा होने के कारण जो है वो हानि उत्पन्न होती है। तो बेसिक सी चीज यही है कि हिस्टेरिसिस हानि में यही होता है कि जो हमारे
जो रेजिड्यूल फ्लक्स मान सकते हो आप एक प्रकार का, कि फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हुआ कभी इधर कभी इधर, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि कुछ फ्लक्स या कुछ अणु क्या हुए, वापिस शून्य अवस्था में नहीं पहुंच सकते। वो क्या करते हैं, जो हमारा उत्पन्न हो रहा है उसी का ही विरोध करते हैं वापिस बार बार, तो उससे क्या होता है कि हमारे इसके अंदर हीट पैदा होती है। तो ये मान सकते हो आप कि एक प्रकार का रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म होता है। वो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म हमें क्या करना पड़ता है, फिर समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि यदि मान लिया इसमें थोड़ा बचा तो जब हमारा दोबारा वो मैग्नेटिज्म उसमें क्रिएट होगा विपरीत दिशा में, तो वो पहले उसको समाप्त करेगा और फिर आगे बढ़ेगा, तो उससे क्या होती है कोर के अंदर जो है वो हमारी हीट पैदा होती है। तो अब जो हमने जिस कोर का यूज करते हैं हम, वो ध्यान रखना आप, मैंने आपको बताया था कि सिलिकन स्टील की कोर का यूज करते हैं। यदि पूरा प्रश्न कई बार पूछा जाता है ये, तो जो ट्रांसफार्मर में कोर यूज होती है वो कोल्ड रोल्ड होती है, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है। हिंदी में यदि मैं बात करूं इसकी, इधर लिख देता हूं मैं, इम्पोर्टेंट है ये, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकन स्टील। तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील और सिलिकन स्टील का यूज हम करते हैं। तो यदि सिर्फ हम स्टील का यूज करेंगे तो स्टील क्या होगा आपका, एक जो है काफी अच्छा चुंबकीय पदार्थ होता है और एक जो है वो फेरोमैग्नेट पदार्थ होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हीट पैदा हो रही है और जो ये फ्लक्स में जो ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, जो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म हमारा शेष रह रहा है, वो क्या होगा ज़्यादा बचेगा और ज़्यादा जो है हमारी वो क्या करेगा, उसमें हानि पैदा करेगा। तो उस केस में क्या कर दिया जाता है कि 2 से लेकर के 4% तक हम क्या मिला देते हैं, जो स्टील होता है उसके अंदर सिलिकॉन मिला देते हैं। तो सिलिकॉन क्या करता है, एक प्रकार से इसकी जो हम बोल सकते हैं कि चालकता जो होती है उसको घटाने का काम करेगा, और उस केस में जो हमारी हिस्टेरिसिस हानि होगी वो कम हो जाती है। तो याद रखना है कि हिस्टेरिसिस लॉसेज को कम करने के लिए या दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिलिकन का यूज किया जाता है, ठीक है, 2 से 4% मात्रा यूज होती है। उसके बाद बात करें हम हिस्टेरिसिस लॉसेज के फॉर्मूले की, तो WH से प्रदर्शित किया जाता है, नीटा गुणा BM, बी मैक्स मान लिए आप चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी से प्रदर्शित किया जाता है, 1.6 इंटू एफ इंटू वी, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि वो आपसे पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दिया तो आप बताओ कि जो हमारी हिस्टेरिसिस लॉस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो फ्रीक्वेंसी के आपको पता चल रहा है कि ये समानुपाती है। वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, आयतन को जो है वो बढ़ा दिया, तो क्या होगा, आयतन को बढ़ाओगे तो भी उसका क्या होगा, समानुपात में बढ़ रहा है तो हिस्टेरिसिस आनी पड़ जाएगी, या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो उस केस में भी हमारी हिस्टेरिसिस आनी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, ये होती है हमारी हिस्टेरिसिस आनी। उसके बाद बात करते हैं हम अगली आनी के विषय में, कि जो एडी करंट लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज तो कि जो हमारा एडी करंट लॉस होता है वो आपका लेंज के नियम पर काम करता है। लेंज का नियम कि जिस चीज की जिससे उत्पत्ति होती है वो उसी का विरोध करती है। तो सबसे पहले आपने देखा था फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हम किसी चालक को घुमाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, एक वोल्टेज पैदा होती है, डीसी जनरेटर में हमने पढ़ा था। अब देखो कि 2 कंडीशन में होता है ये, कि या तो आप चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दो, ठीक है, ये चालक हमारा यहीं रख दो, जैसे मैंने कोई उसके अंदर क्या रख ली, लोहे की छड़ रख दो, या सॉरी कॉपर की छड़ रख दो, या कोई बार रख दो, तो उस केस में क्या होगा कि यदि हम इस चुंबकीय क्षेत्र को घुमाएंगे, जैसे हमारी 3-फेज इंडक्शन मोटर होती है, 3-फेज इंडक्शन मोटर में हमारा चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, तो यदि इस चुंबकीय क्षेत्र को घुमाओ, कहने का मतलब इधर एन इधर एस फिर इधर एन फिर इधर एस फिर इधर एस फिर इधर एन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर भी एक वोल्टेज पैदा हो जाएगी।
चाहे आप इनको स्थिर रख करके इसको घुमा दो तो भी हमारी जो वोल्टेज है वो पैदा होनी निश्चित है। तो जब हम एक चालक की बात करते हैं तो उसके अंदर तो क्या होता है कि जैसे इसमें अंदर धारा गई तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो जैसे मैं अगर एक चालक की बात करूं तो चालक में तो क्या होगा कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे किसी चालक में इस दिशा में हमारी धारा जा रही है, तो जब आप उसमें हथेली नियम लगाओगे तो आपको उसका चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा इस प्रकार। लेकिन क्या होता है कि जब यही चीज़ किसी ऐसे मटेरियल में या फिर किसी डिस्क में, जैसे हमने गोल मटेरियल यूज कर लिया, जैसे मैंने कोई गोल मटेरियल यूज कर लिया ऐसे डिस्क टाइप में, या फिर हम बात करें ट्रांसफार्मर की कोर की, तो ट्रांसफार्मर की कोर क्या होती है, ऐसे बंटी होती है अलग अलग पत्तियों में, मैंने आपको बताया था इस टाइप में लेमिनेटेड पत्तियों में। तो अब क्या होगा कि जब हमारी ट्रांसफार्मर के ऊपर जब वाइंडिंग की होती है, तो इस केस में क्या होता है कि जब प्राइमरी को आपने सप्लाई से जोड़ा तो फ्लक्स पैदा होता है, प्राइमरी धारा उत्पन्न होती है। वो फ्लक्स, ये जो कोर होती है, इस फ्लक्स कोर के अंदर ही क्या करता है, ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके ही इस सेकेंडरी वाइंडिंग को काटता है, जिससे हमारी क्या होती है, वोल्टेज पैदा होती है। तो जब चालक में हमने बात की थी तो उसका तो चुंबकीय क्षेत्र सीधा होता है, लेकिन ये फ्लक्स अब इस कोर के अंदर क्या करता है, या फिर मैं इस डिस्क की यदि हम बात करें डिस्क के अंदर, तो डिस्क के अंदर जो वही धारा, जैसे आपने कोई डिस्क रख ली, जैसे जो हमारा ये होता है ये एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर के अंदर भी जो एडी करंट लॉस होता है उसकी उसका यूज करते हैं किसके लिए, जो एक प्रकार का मतलब उसको रोकने के लिए, डिस्क को घूमने से रोकने के लिए, या फिर जो कंट्रोलिंग टॉर्क, या फिर हम उसको बोल सकते हैं स्टॉप करने के लिए, जो स्टॉपिंग टॉर्क होता है उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो जब डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क में जब फ्लक्स के कारण जो धाराएं उत्पन्न होती है वो क्या करती है, इस प्रकार से एक भंवर के रूप में चलती है यूं, ठीक है, यूं राउंड मोशन में अलग अलग। तो ये धाराएं क्या करती है कि हमारी कोई उपयोगी तो हुई नहीं ये, बल्कि ये क्या करेगी कि जब हम ट्रांसफार्मर के केस में बात करेंगे तो इसकी कोर के अंदर भी ये इस प्रकार से अलग अलग धाराएं उत्पन्न हो जाती है, भंवर धारा जिनको बोला जाता है। तो ये धाराएं क्या करती है, व्यर्थ में हमारा जो ये कोर होती है उसको गर्म करने का काम करती है। तो जब ये गर्म करेगी तो गर्म करने से हीट उत्पन्न होगी, और हीट उत्पन्न होने से क्या होता है कि जो हमारी जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो घटती है, व्यर्थ में हमारी वाइंडिंग गर्म होती है तो और चुंबकत्व भी हमारा कम होता है। तो इस प्रकार क्या करती है, जो भंवर धाराएं होती है वो क्रिएट होती है। तो इसीलिए ये बताया गया था कि जब जो हमारा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भंवर धाराओं को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, या फिर एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, कि ये जो सॉलिड कोर होती है इसको पटलानों में बांट दिया जाता है, मतलब पतली 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 पत्तियों में बांट दिया जाता है। तो पत्तियों में क्यों बांटा जाता है, ये जब अभी हम इसका सूत्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एडी करंट लॉस होता है वो मोटाई पर निर्भर करता है, मोटाई के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो उस कंडीशन में यदि आप मान लिया मैंने 4 mm की पत्ती लोगे या आप 1 mm की पत्ती लोगे, तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 4 mm की पत्ती और 1 mm की पत्ती, तो भंवर धाराएं ज्यादा किसमें उत्पन्न होगी, जितनी ज्यादा उसकी मोटाई होगी उतनी ज्यादा उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होगी और उतना ही ज्यादा उसमें एडी करंट लॉस होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर बनाते समय जो कोर होती है उसके पटलनों में बांटा जाता है, छोटे 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 पटलन बना दिए जाते हैं, जिससे कि जैसे पहली पत्ती में कोई भंवर धारा उत्पन्न हुई वो वहीं पर खत्म हो जाए, वो पूरी जो ये कोर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोर के अंदर ना सर्कुलेट हो। तो अगर वो पूरी कोर के अंदर सर्कुलेट होती रहेगी लगातार तो इस पूरी कोर को ही गर्म कर देगी, हमारी वाइंडिंग का इंसुलेशन भी वो खराब कर देगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर को जो है वो पटलित बनाया जाता है।
उसके बाद में हम बात करें तो साथ साथ में एक काम और करते हैं कि इनका क्या कर दिया जाता है, लेमिनेटेड कोर होती है, तो लेमिनेशन भी आपको पता है कि क्या करता है, जो हीट है उसको रोकता है। तो इन दो प्रयासों के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारी एडी करंट लॉस होती है उनको कम करने का काम करते हैं। तो यदि हम बात करें एडी करंट लॉस के फॉर्मूले की, तो डब्लू बी स्क्वायर एम इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चला कि जो भंवर धारा हानि होती है, भंवर धारा हानि एडी करंट लॉसेज, वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती होती है, लेकिन हिस्टेरिसिस लॉस हमने देखा था सिर्फ फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। उसी तरीके से जो हमारा भंवर धारा हानि जो एडी करंट लॉस है वो मोटाई के भी समानुपाती होता है, टी स्क्वायर, टी का मतलब जो मोटाई थिकनेस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आपका आवृत्ति और बी का मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो ये इन तीनों चीज़ों के स्क्वायर के समानुपाती होता है। उसके बाद में जो हमारी हानियाँ होती है उनको आप सभी को पता है कि किस में डिनोट किया जाता है, वाट के अंदर होती है वो, तो ये हमारे क्या होती है, आयरन लॉस होते हैं एक ट्रांसफार्मर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर लॉस के विषय में, तो कॉपर लॉस सिंपल आपको पता है कॉपर लॉसेज जो होते हैं वो आई स्क्वायर आर के समानुपाती होते हैं, आई स्क्वायर आर। तो यदि आपसे प्राइमरी वाइंडिंग की हम बात करेंगे तो आई पी स्क्वायर इंटू आर पी, और यदि सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करेंगे तो आई एस स्क्वायर इंटू आर एस, ये प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध और प्राइमरी की धारा उसका कॉपर लॉस आ जाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध और सेकेंडरी की धारा जो है वो उसका कॉपर लॉस आ जाएगा। तो एक ट्रांसफार्मर में कुल कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए इन दोनों का क्या कर देते हैं, हम जोड़ कर देते हैं, तो आई पी स्क्वायर आर पी प्लस आई एस स्क्वायर आर एस, ये हमारा क्या होता है एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाता है। तो दो ही प्रकार की हानियाँ होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो है वो कोई मूवेबल पार्ट तो है नहीं, तो फ्रिक्शन लॉसेज और वो सारे लॉसेज जो है वो घट जाते हैं। चलिए बढ़ते आगे, अब हम बात करते हैं कि जो ये हमने पढ़ी है आयरन लॉस और कॉपर लॉस, इनको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो हम यदि बात करें कि सबसे पहले जो आयरन लॉस की बात मैं करता हूँ, तो आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए आपके दो, एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है ओपन सर्किट टेस्ट, और कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सबसे पहली चीज़ तो प्रश्न यही है, बाकी अंदर नहीं पूछा जाता कि ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं। तो चलिए समझते हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन लॉस की ज्ञात करने की। तो अभी यदि आपने इतनी देर ध्यान से समझा था तो आपको स्वयं ही पता चल गया होगा कि ओपन सर्किट लॉस किस लिए, ओपन सर्किट जो टेस्ट होगा वो किस दोष को ज्ञात करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है तो क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ 2-5% ही धारा लेता है फुल लोड करंट की। तो जब उसमें धारा का मान ही जीरो है तो ये दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है ज़्यादा, सिर्फ बेसिक चीज़ है कि जब धारा ही उसमें नहीं है तो वो हमें क्या दिखाएगा, आयरन लॉस ही तो दिखाएगा, कॉपर लॉस तो दिखाने से रहा। तो ओपन सर्किट टेस्ट में देखो क्या किया जाता है कि इस प्रकार एक वाट मीटर, एक एम्पियर मीटर ये हमने मान लिया कोई प्राइमरी वाइंडिंग, एक वोल्ट मीटर, वाट मीटर की दोनों कोयलें इस तरीके से जोड़ दी जाती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की उसको खुला छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ओपन सर्किट टेस्ट। किसके लिए होता है, आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए। अब देखो क्या होता है कि जब हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है तो सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होने से हमारी जो ट्रांसफार्मर है वो धारा बहुत ही नगण्य लेता है, सिर्फ उतनी धारा लेता है कि जो चुंबक होती है वो पैदा हो जाए। तो इस कंडीशन में जो हमारे आई स्क्वायर लॉस होते थे, आई स्क्वायर आर लॉसेस थे, वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो जब हम इस ट्रांसफार्मर को यहाँ सप्लाई से जोड़ेंगे तो वो हमें क्या दिखाएगा, वोल्ट मीटर यहाँ वोल्टेज, एम्पेयर मीटर धारा, और ये जो वाट मीटर हमने जोड़ा है ये वाट मीटर हमें क्या दिखाएगा, जो इस ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस होता है उसको प्रदर्शित करेगा।
तो ये हमारा क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है। इसी तरीके से दूसरे टेस्ट की यदि मैं बात करूँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट की, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें क्या किया जाता है कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग हमने ली है इसको शॉर्ट कर दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। और बाकी हम बात करें तो सारे ये जो उपकरण होते हैं यही लगे होते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक महत्वपूर्ण चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए आपको बताया कि मैंने क्या किया था कि जो हमारी ये वाइंडिंग है वो इस तरीके से ओपन रखी जाती है, ठीक है। प्रश्न मैंने कई देखे हैं कि वो दो तीन चीज़ें लिख देगा, जैसे आयरन लॉस ज्ञात, आयरन लॉस के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है या क्या गलत है, उस टाइप के प्रश्न पूछ लेता। तो उसमें क्या होगा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप आयरन लॉस ज्ञात करते हो तो वो टेस्ट हमेशा एलवी साइड पे किया जाता है, ठीक है। एलवी का मतलब लो वोल्टेज साइड, कहने का मतलब जिधर, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर, हमने मान लिया कोई छोटा ट्रांसफार्मर, यदि मैं बात करूं भाई 12/240 वोल्ट का हो गया जैसे, तो 12 वोल्ट वाली साइड पे क्या किया जाएगा आपका, वो टेस्ट किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, ओपन सर्किट टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में हमेशा एलवी साइड पर करना चाहिए। दूसरी चीज़ फुल वोल्टेज के साथ किया जाता है, रेटेड वोल्टेज के साथ, मतलब 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो उसको कितनी सप्लाई दी जाती है, पूरी की पूरी 12 वोल्ट दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट सबसे पहली चीज़, ये मैंने इसलिए बताई है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के केस में आपको पता है कि यदि आपने HV वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो, इधर जो वाइंडिंग होगी वो वाइंडिंग हमारी क्या हो सकती है, जल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धारा लेगा वो। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा LV वाइंडिंग पे किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा HV वाइंडिंग पे किया जाता है, हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग। कहने का मतलब इधर जो हमने वाइंडिंग ली है, अब इसके टर्नों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको क्या किया जाता है, कोई एम्पियर मीटर के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब देखो कि सबसे पहली चीज़ तो हमने HV वाइंडिंग की साइड में कर रहे हैं और LV को शॉर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अब जो हम इस ट्रांसफार्मर को वोल्टेज जो देते हैं वो फुल वोल्टेज नहीं दी जाती, सिर्फ 2 से लेकर के 5% तक की वोल्टेज ही दी जाती है, जो हमारा वेरिएक या फिर आप ऑटो ट्रांसफार्मर समझ सकते हो, ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा हम सिर्फ इसको 2 से लेकर के 5% वोल्टेज पर ही टेस्ट करते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर जब आपने वोल्टेज को कम कर दिया तो आपके जो आयरन लॉस होते हैं वो नगण्य हो गए, और जो अब ये हमें हानियाँ दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, सिर्फ कॉपर लॉस दिखाएगा। तो इस प्रकार एक ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस को याद किया जाता है। चीज़ें जो मैंने महत्वपूर्ण बताई है उनका ध्यान रखना आप, वही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी साइड पे या फिर कितनी वोल्टेज दी जाती है। अब वो प्रश्न दे देगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज के साथ किया जाता है, रेटेड वोल्टेज की 2 से 5% वोल्टेज होती है, HV साइड किया जाता है, LV साइड किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न वो पूछेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसफार्मर की हानियाँ और ट्रांसफार्मर की हानियों को ज्ञात करने का सूत्र, और ट्रांसफार्मर की हानियों को ज्ञात करने के लिए बात करूँ 3-phase ट्रांसफार्मर की। तो 3-phase ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सिंपल, जैसे आपने सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर देखा था उसमें वाइंडिंग का केवल एक सेट यूज किया जाता है, जैसे यदि हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारा वाइंडिंग का केवल एक सेट होता है। कहने का मतलब एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये सिर्फ हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन 3-phase ट्रांसफार्मर में क्या होगा, यही फ़र्क होता है कि सिर्फ वाइंडिंगों के जो होते हैं वो 3 सेट यूज किए जाते हैं। तो जैसे यदि हम 3-phase ट्रांसफार्मर की बात करें
तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंगों के तीन सेट यदि मैं बनाऊं तो ये कोई पहली प्राइमरी वाइंडिंग होगी, दो इस प्रकार क्या होता है, थ्री फेज के ट्रांसफार्मर में तीन प्राइमरी वाइंडिंग और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो थ्री फेज के ट्रांसफार्मर है तो थ्री फेज के लोड के हिसाब से इसके भी कनेक्शन किए जाते हैं। तो थ्री फेज में कनेक्शन आपको बताएं या स्टार में होते हैं या डेल्टा में होते हैं, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है थ्री फेज का उसके कनेक्शन भी स्टार या डेल्टा के अंदर किए जाते हैं। तो स्टार कनेक्शन में आपको पता है कि जो वाइंडिंग होती है हमारी, जैसे तीन वाइंडिंग है तो उनके पहले पहले या फिर दूसरे दूसरे सिरे आपस में क्या कर दिए जाते हैं, कॉमन कर दिए जाते हैं। तो थ्री फेज स्टार की बात करें तो हम क्या बना देंगे इस तरीके से, प्राइमरी वाइंडिंग को दूसरे दूसरे सिरे टर्मिनल जो कॉमन कर दिए जाते हैं, और आउटपुट में यदि हमें स्टार बनाना है तो सेम स्टार की तरह क्या करेंगे, दूसरे दूसरे सिरे जो है वो कॉमन कर देंगे। तो इस प्रकार का जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाएगा, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, क्योंकि इनपुट में भी हमने स्टार कनेक्शन बनाया है और आउटपुट में भी स्टार कनेक्शन बनाया है। तो बात करते हैं थ्री फेज के ट्रांसफार्मर के कनेक्शनों के विषय में। तो थ्री फेज के ट्रांसफार्मर का कनेक्शन सबसे पहला होता है स्टार कनेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया कि वाइंडिंगों के तीन से सेट हैं। तो प्राइमरी साइड को क्या किया जाता है, स्टार में जोड़ दिया जाता है। तो स्टार क्या होता है वो आपको देखना है कि जैसे वाइंडिंगों के तीन सेट हैं, एक दो और ये तीन, तो तीनों में से एक एक टर्मिनल लेकर के कॉमन करके एक एक टर्मिनल के ऊपर क्या दे दी जाती है, सप्लाई दे दी जाती है। तो आउटपुट में भी यदि हम स्टार बनाते हैं तो इसी प्रकार आउटपुट के अंदर हमारा क्या किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन के विषय में। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे वाइंडिंगों के तीन टर्मिनल हैं, वहां तो हम तीन टर्मिनलों को शॉर्ट कर रहे थे, यहां पर क्या किया जाएगा कि पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी के पहले से, दूसरी का दूसरा तीसरी के पहले से, इस प्रकार जब कोई कनेक्शन किया हो तो उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि पहले कोयल का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा होगा, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, और तीसरे का दूसरा सिरा जो होता है वो पहले कोयल के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। जैसे ये वाला जो बच गया वो वाला जाकर के कहाँ जुड़ेगा, हमारा यहाँ पर जुड़ जाता है। तो हम इनपुट कहाँ देंगे, इस प्रकार के यहाँ जो तीन टर्मिनल बन गए इनके ऊपर हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि डेल्टा कनेक्शन बेसिक रूप से यही होता है, तो यदि इनपुट और आउटपुट दोनों में डेल्टा है तो ट्रांसफार्मर को डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर बोला जाता है, और यदि इनपुट में स्टार है जैसा पहले हमने बनाया था और आउटपुट में यदि डेल्टा है तो उसको बोला जाता है डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें करंट जो होती है आपकी वो समान रहती है तीनों फेजों के अंदर, लेकिन जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें जो तीनों फेजों की जो वोल्टेज होती है वो समान रहती है, जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होती है वो एक समान होती है। लेकिन स्टार में यदि हम बात करें तो जो आपकी लाइन वोल्टेज होती है वो अंडर रूट तीन गुना होती है आपकी फेज वोल्टेज का, और जो लाइन करंट होती है वो बराबर होती है आपकी फेज करंट की। ये होता है स्टार कनेक्शन के अंदर। लेकिन डेल्टा में क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज होती है वो आपकी फेज वोल्टेज के बराबर होती है, लेकिन जो आपकी लाइन करंट होती है वो क्या होती है, फेज करंट का अंडर रूट तीन गुना होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टार और डेल्टा कनेक्शनों में। तो स्टार में आपकी धाराएं समान होती है तीनों फेजों की, और जो डेल्टा होता है उसमें जो है वो वोल्टेज समान होती है। इसके अलावा एक कनेक्शन और किया जाता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, उसको बोला जाता है इंटर कनेक्शन।
इंटर या इंटर स्टार कनेक्शन भी बोला जाता है उसको। तो बेसिकली वो ये कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी कोयल होती है, कोयल जैसे हमारी जो नॉर्मल अभी हमने देखा था कि हमारी तीन कोयलें थी ट्रांसफार्मर की, तो इंटर स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो कोयल होती है उसकी थोड़ी सी टर्नों की संख्या बड़ी होती है। सिंपल यदि मैं बात करूं तो इसकी जो टर्न होते हैं वो टर्न थोड़े से क्या कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। तो टर्न बढ़ाने से जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मतलब अर्थिंग की प्रॉपर विशेष मतलब विशेष रूप से हम अर्थिंग नहीं कर सकते, या फिर जो रेगिस्तानी बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है किस प्रकार के कनेक्शन का यूज किया जाता है, वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंटर स्टार कनेक्शन होगा। बाकी सेम चीज़ें सारी क्या होती है, स्टार कनेक्शन की तरह ही होती है। जो कनेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल एक एक टर्मिनल इनका जोड़ दिया जाता है आपस में, लेकिन फर्क क्या होता है कि जो कोयल होती है उसमें टर्नों की संख्या थोड़ी अधिक रखी जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो यूज कहाँ होता है इसका, जो दुर्गम क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र जहां पर हमारी जो है अर्थिंग ना की जा सके, तो इस प्रकार के जो कनेक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, इंटर स्टार कनेक्शन। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि जब आप इस प्रकार से इसको कर लेते हो तो इस प्रकार के कनेक्शन में क्या होता है कि आपको अर्थिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती, बाकी की सारी चीजें सेम स्टार कनेक्शन की तरह ही होती है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, और जो लाइन वोल्टेज होती है वो आपकी अंडर रूट 3 गुना होती है किसके, फेज वोल्टेज की। तो ये आपका होता है इंटर स्टार कनेक्शन। तो तीन फेज ट्रांसफार्मरों के तीन कनेक्शन हो गए, स्टार डेल्टा तो नॉर्मल, और इंटर स्टार कनेक्शन का यूज कहाँ होता है, जहां पर हमें अर्थिंग की जो है वो आवश्यकता ना हो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीन फेज ट्रांसफार्मरों की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन। ये तो हमारा हो गया ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के विषय में, भाई प्राइमरी वाइंडिंग जोड़ दी हमने या हो सकता है सेकेंडरी जोड़ दें। अब बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं। तो बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शनों के विषय में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन जो है वो कितने भागों में हम बांट सकते हैं। पहला आपका होता है स्टार स्टार कनेक्शन, दूसरा आपका हो गया डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, तीसरा आपका हो गया स्टार डेल्टा कनेक्शन, चौथा आपका हो गया डेल्टा स्टार कनेक्शन, पांचवा हो गया आपका स्टार इंटर स्टार कनेक्शन, और छठा आपका होता है वो होता है डेल्टा इंटर डेल्टा कनेक्शन। तो छह भागों में इनको बांट दिया हमने, स्टार स्टार में, डेल्टा डेल्टा में, स्टार डेल्टा में, डेल्टा स्टार में, स्टार इंटर स्टार में, और डेल्टा इंटर डेल्टा कनेक्शन। तो अब हम बात करेंगे बारी बारी से इनके विषय में कि सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को जब स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी स्टार में जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का कनेक्शन आपका क्या कहलाता है, स्टार स्टार कनेक्शन कहलाता है। अब बात करें कि इस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग आपको ध्यान रखना है अधिक वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज और हाई पावर वाले स्थानों पर किया जाता है। बस ये परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हाई वोल्टेज और हाई पावर वाले स्थानों पर किस कनेक्शन का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टार स्टार कनेक्शन का यूज किया जाता है हाई वोल्टेज और हाई पावर वाले स्थानों के ऊपर। दोनों वाइंडिंग किस में होगी, जो आपकी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है वो भी स्टार में होगी और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है वो भी स्टार में होगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरे की डेल्टा डेल्टा। तो डेल्टा में आपकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी आपकी किस में जुड़ी होगी, डेल्टा में जुड़ी होगी। तो डेल्टा बनता कैसे है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान क्या रखना है कि इस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग कहाँ करते हैं,
कम वोल्टेज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कनेक्शनों का यूज किया जाता है। तो लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हमारा जो कनेक्शन यूज किया जाता है हमेशा, वो कौन सा होता है? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं अगले की, हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार डेल्टा में क्या होगा कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग तो स्टार में जुड़ी होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो हमारी डेल्टा में जुड़ी होगी। प्राइमरी होगी स्टार में और सेकेंडरी जो है वो डेल्टा में। तो इस प्रकार के जो कनेक्शन का यूज होता है वो बेसिकली वहाँ किया जाता है जहाँ पर जो लोड हो वो अनबैलेंस हो, अनबैलेंस्ड लोड। अनबैलेंस्ड लोड वाले स्थानों पर किस कनेक्शन का यूज किया जाता है, ध्यान रखना आपको, स्टार डेल्टा कनेक्शन का। इसके अलावा यदि हम बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के कनेक्शन का यूज जहाँ करते हैं जहाँ हमें वोल्टेज को स्टेप अप करके दूसरे पावर स्टेशनों तक क्या करना हो, पहुँचाना हो, तो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का यूज किया किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में भी स्टार डेल्टा कनेक्शन का यूज किया जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि आपको वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे पावर स्टेशन में भेजना हो तो आप किस प्रकार के कनेक्शन को प्राथमिकता दोगे, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन को। अब बात करते हैं अगले कनेक्शन के विषय में। अगला कनेक्शन हमारा प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी स्टार में होती है। इस प्रकार का कनेक्शन आपका क्या कहलाता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन कहलाता है। तो इसमें क्या होगा कि यदि हम बात करें तो डेल्टा स्टार कनेक्शनों का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पर हमें वोल्टेज को स्टेप डाउन करना हो। तो स्टेप डाउन जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर जितने भी होते हैं आपके, उनके अंदर किस कनेक्शन का यूज करते हैं हम, डेल्टा स्टार कनेक्शन का। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा स्टार कनेक्शन का यूज कहाँ किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है, जहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो स्टार में जुड़ी होती है। बात करते हैं अगले कनेक्शन की। तो अगला हमारा होता है स्टार इंटर स्टार कनेक्शन। तो प्राइमरी वाइंडिंग तो स्टार में जुड़ती है, वैसे ही जुड़ेगी, और इंटर स्टार मैंने आपको बताया था कि कोयल के जो टर्न होते हैं वो थोड़े क्या कर दिए जाते हैं, ज़्यादा कर दिए जाते हैं। तो इंटर स्टार में आप समझ सकते हो कि जो टर्नों की संख्या होती है वो सामान्य स्टार की अपेक्षा थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा रख दी जाती है। तो स्टार इंटर स्टार कनेक्शन का यूज मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे स्थान जहाँ पर जो है वो न्यूट्रल को अर्थ ना किया जा सकता हो, जहाँ पे अर्थिंग ना की जा सकती हो, वहाँ पर किस प्रकार के कनेक्शन का यूज किया जाता है, इंटर स्टार कनेक्शन का। तो जब हम अर्थिंग का यूज नहीं कर रहे तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर जहाँ पर अर्थिंग करना असंभव हो, या फिर कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर जो दुर्गम क्षेत्रों में काम करते हो, वहाँ पर कौन सा कनेक्शन यूज किया जाता है, तो आपका क्या आंसर होगा, स्टार इंटर स्टार कनेक्शन। तो ध्यान रखना है कि जो लो कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, उन ट्रांसफार्मरों में जो थ्री फेज वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, स्टार और इंटर स्टार में होते हैं। अब बात करते हैं अगला, डेल्टा इंटर स्टार। तो डेल्टा प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी वही इंटर स्टार में जुड़ी होती है। तो इंटर स्टार में थोड़े वाइंडिंग के टर्न क्या रखे जाते हैं, ज़्यादा रखे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कनेक्शन होते हैं वो लाइट परिपथ और फैन जो हमारे पावर परिपथ, इन दोनों परिपथों के लिए आपको ध्यान रखना है, उपयोग लिए जा सकते हैं। तो ये कनेक्शन भी वहीं यूज किया जाएगा जहाँ जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जैसे आपके पहाड़ी इलाके हो गए, बर्फीले क्षेत्र हो गए, उन जगहों पर जहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारा यूज किया जाना हो, जहाँ पर अर्थिंग की आवश्यकता ना पड़ती हो, वहाँ पर ही किसका यूज करते हैं हम, डेल्टा इंटर स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार दोनों का यूज दुर्गम क्षेत्रों में किया जाता है,
जहाँ पर जो है वो अर्थिंग करने की आवश्यकता ना हो, या फिर हम अर्थिंग करने की जो सुविधा है वो हमें प्राप्त ना हो सके। तो ये हमारे क्या होते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मरों के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के क्या होते हैं, आपस में कनेक्शन होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में, जो कि आपका कहलाता है स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन जिसको बोला जाता है। तो स्कॉट या टीटी कनेक्शन क्या होता है, पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि स्कॉट या टीटी कनेक्शन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो आपको पता है कि जितनी भी जो इलेक्ट्रिकल हम देखते हैं उपकरण जो फैक्ट्री वगैरह में यूज होते हैं, उनमें क्या होती है, लगभग थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फर्नेस होते हैं, या फिर जब मैं हिंदी में बात करूं विद्युत भट्टियां हो गई, विद्युत भट्टियों को क्या चाहिए होती है, दो फेज की सप्लाई चाहिए होती है। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हमारे पास में सप्लाई क्या होती है, या तो थ्री फेज होती है या सिंगल फेज होती है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए जो कनेक्शन यूज करते हैं हम, उसको बोला जाता है स्कॉट या टीटी कनेक्शन। तो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि टीटी कनेक्शन सबसे पहले तो कहाँ यूज होता है, पहला प्रश्न यही बन गया आपका। तो विद्युत भट्टियाँ जो इलेक्ट्रिकल फर्नेस होते हैं वहाँ पर यूज होता है। काम क्या आता है, थ्री फेज की सप्लाई को टू फेज की सप्लाई में कन्वर्ट करने के काम आता है। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा जो सर्किट डायग्राम होता है वो समझ लेते हैं हल्का सा। तो बात करें यदि हम थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने वाले टीटी कनेक्शन के विषय में, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि दो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, एक आपका मेन ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसको बोला जाता है टीजर ट्रांसफार्मर। एक हो गया हमारा मेन ट्रांसफार्मर और एक होता है हमारा टीजर ट्रांसफार्मर। ये दो युक्तियों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के अंदर कि ये जो हमारा है, ये वाला जो ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारे मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है मेन ट्रांसफार्मर की। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसको बोला जाता है टीजर ट्रांसफार्मर। तो अब परीक्षा उपयोगी क्या ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा टीजर ट्रांसफार्मर होता है वो देखो कहाँ कहाँ जुड़ा होता है, कई बार पूछा जाता है। तो एक तो फेज के ऊपर इसका टर्मिनल जुड़ा होता है, प्राइमरी वाइंडिंग है, ये भी ध्यान रखना है हमें कि प्राइमरी वाइंडिंग का एक टर्मिनल फेज के साथ में और दूसरा टर्मिनल जो होता है वो मेन ट्रांसफार्मर की सेंटर टैपिंग से जुड़ा होता है। सेंटर टैपिंग का मतलब जो हमारा ये मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, यदि इसमें 100 टर्न है तो 100 टर्नों को क्या किया जाता है, 50 टर्न एक तरफ 50 टर्न एक तरफ और बीच में से एक टैपिंग निकाल दी जाती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो टर्नों की संख्या होती है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों टर्नों की संख्या क्या रखी जाती है, बराबर रखी जाती है। और इनकी जो सेंटर टैपिंग होती है, उस सेंटर टैपिंग के ऊपर टीजर ट्रांसफार्मर का एक कनेक्शन जो है वो एक टर्मिनल जोड़ दिया जाता है। उसके बाद बात करें कि ये जो टीजर ट्रांसफार्मर होता है इसमें टर्नों की संख्या क्या होती है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि टीजर ट्रांसफार्मर में टर्नों की संख्या मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के टर्नों की संख्या की 0.866 गुना होती है, ये ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि जो टीजर ट्रांसफार्मर है इसकी ये टर्न है वो टर्न कितने होते हैं, जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है उसके टर्नों का 0.866 गुना होता है। कई जो लोकल के गाइड हैं उनमें सीधा ही 866 लिख रखा है, 866 नहीं होता, 0.866 गुना होता है। सामान्य भाषा में यदि मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि ये जो हमारे टर्नों की संख्या है, ये वाली, ये टर्नों की संख्या यदि 100 है तो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में टर्नों की संख्या कितनी होगी, 86.6 होगी। इस बात का ध्यान रखा जाता है, ये एक आवश्यक शर्त है, ये मान के चलिए आप, यदि इसमें टर्नों की संख्या 86.6 नहीं हुई, मतलब यदि 100 है तो 0.866 गुना ही होनी चाहिए, तभी हमारा जो ये कनेक्शन है वो काम करेगा और हमें आउटपुट में थ्री फेज की सप्लाई को वो क्या कन्वर्ट करके देगा, टू फेज की सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है वो इसी प्रकार का होता है
कि जब हम ये शर्त पूरी करेंगे तभी हमें आउटपुट के रूप में दो फेज की सप्लाई मिलेगी। तो आपको पता चल गया कि मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सेंटर टेप होती है, इसमें टर्नों की संख्या बता दी मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से। अब क्या ध्यान रखना है कि टीजर ट्रांसफार्मर की ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, टीजर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या और मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा बराबर होती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको कि टीजर की सेकेंडरी वाइंडिंग और जो मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें भी टर्नों की संख्या हमेशा क्या रखी जाती है, इक्वल रखी जाती है। तो अब क्या होता है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि आर वाई बी तीन फेज यहाँ पर कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो जैसे इनको सप्लाई से जोड़ा जाता है तो हमें क्या करेगा, ये थ्री फेज की सप्लाई को कन्वर्ट करके यहाँ पर एक फेज तो ये मिल जाता है और एक फेज है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो समझने के लिए तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब, जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे फिर इसमें कैलकुलेशन करोगे वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें हमें नहीं जाना। आपको क्या ध्यान रखनी है बातें जो मैं बता रहा हूँ कि जब आपने इसको थ्री फेज की सप्लाई दी तो ये काम क्या करेगा, टू फेज की सप्लाई में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब देखो अगली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है आईटीआई लेवल पे, कि जो ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग का एक फेज ये हो गया और एक फेज ये हो गया यहाँ पर प्राप्त होगा, तो जो आपको ये दोनों फेज प्राप्त होते हैं इनमें ध्यान रखना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है दोनों में। और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस किस प्रकार होगा, इधर मैं लिख देता हूँ, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि टीजर ट्रांसफार्मर और मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंगों में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस पाया जाता है, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है सेकेंडरी वाइंडिंगों में। यहाँ का जो फेज है और इसका जो फेज है दोनों में क्या होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है यहाँ पर कि किसकी वोल्टेज लीड करेगी। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार का रखा जाता है कि जो आपकी टीजर ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज होती है, ये ध्यान रखना, टीजर ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज होती है वो मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज को क्या करती है, लीड करती है। मतलब 90 डिग्री यदि मैं सिंपल आपको समझाऊं तो आप देखो इस चित्र को याद रखना, जैसे हमने V1 वोल्टेज की बात की है तो V1 वोल्टेज और ये हो जाएगी हमारी V2 वोल्टेज, फेजर डायग्राम ऐसा होगा इसका। तो जो चीज़ लीड करती है वो ऊपर की ओर और नीचे जो है वो हमारी V2 होगी। तो एरो का निशान आप इसमें किस प्रकार लगाओगे, इधर ऊपर की तरफ लगाओगे क्योंकि हमारी जो वोल्टेज है वो लीड कौन सी कर रही है, V1 की वोल्टेज लीड करती है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि वोल्टेज में एक तो 90 डिग्री का डिफरेंस हो गया, उसके बाद वो प्रश्न पूछ सकता है कि दोनों में से किसकी वोल्टेज लीड करती है, तो टीजर ट्रांसफार्मर की वोल्टेज जो होती है वो हमेशा लीड करती है, ना कि मेन ट्रांसफार्मर की, क्योंकि यदि दो फेज की सप्लाई हमें कन्वर्ट करनी है तो दोनों फेजों के लिए हमें 90 डिग्री का उनके बीच में क्या चाहिए होगा, डिफरेंस अनिवार्य रूप से क्या होगा, चाहिए होता है। अब बात करते हैं यदि हम छोटी वोल्टेज के विषय में छोटी थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, तो वोल्टेज के बारे में यदि हम देखें तो यदि आप इसके V2 जो वोल्टेज नीचे दिखाई दे रही है इसकी यदि मैं बात करूँ, जो हमने पढ़ा था टर्न रेशियो, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था N2 बटा N1 है, E2 बटा E1 है और धारा हम उल्टी लेते थे, तो इसका टर्न रेशो देखो क्या होगा कि यदि हम बात करें तो V2 वोल्टेज होगी V2 बटा, अब नीचे कौन सी आएगी, V1 में क्या आ रहा है, देखो V2 हो गई, V1 में क्या आ रहा है, ये V, B और Y, यही वोल्टेज तो आ रही है प्राइमरी के अंदर, देखो बी फेज और वाई फेज के बीच की वोल्टेज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि इसके मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या हो जाएगा, V2 बटा VYV या BBY कुछ भी लिख सकते हो आप, बराबर किसके हो जाएगा, N2 बटा N1 के। तो V2 बराबर आपका किसके हो सकता है, V2 बराबर आपका हो सकता है N2 बटा N1 इंटू VYV। तो यहाँ से देखो चीज़ मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हो सकता है वो आपको टर्नों की संख्या दे देगा, और ये जो V वोल्टेज और Y वोल्टेज इन दोनों के बीच की वोल्टेज दे देगा, तो और यहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज के विषय में पूछ सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि V2 बराबर किसके होता है, N2 बटा N1 गुणा में V बाई बी के।
अब एक चीज और बन सकती है यहाँ पर कि यहाँ वोल्टेज क्या आ रही है, V, B और Y की वोल्टेज। तो यहाँ पर देखो जुड़ क्या रहे हैं, दो फेज जुड़ रहे हैं, दो फेजों की वोल्टेज को क्या बोला जाता है, लाइन वोल्टेज बोला जाता है। तो फॉर्मूला हमारा ये भी हो सकता है कि वो घुमाने के लिए आपको क्या करेगा, वी वाई भी ना बोल करके वो हो सकता है लाइन वोल्टेज दे दे कि जो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो उसकी लाइन वोल्टेज का मान इतना है, प्राइमरी टर्नों की संख्या इतनी है, सेकेंडरी टर्नों की संख्या इतनी है, तो उसकी वोल्टेज बताओ सेकेंडरी की वोल्टेज। तो इस केस में हमारा सूत्र इस प्रकार का भी हो सकता है, वहाँ हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, वी टू बराबर एन टू बटा एन वन इंटू क्या आ जाएगा आपका वी एल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमेशा यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज, जब टर्नों की संख्या बराबर है तो यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज जो है वो बराबर होती है। तो ये जो सूत्र है, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका V1 में लगता है। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कोस 30 डिग्री फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, सारा हल करना पड़ेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा उत्तर आना चाहिए कैसे भी आए। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यदि यहाँ की वोल्टेज है, टीजर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो भी सूत्र क्या बनेगा, यही बनेगा, V1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, N2 बटा N1 गुणा में VL। तो N2 यहाँ के टर्न, N1 यहाँ के लेंगे, और जो VL लेंगे वो कहाँ की लेंगे, ये वाली जो वोल्टेज है वो ली जाएगी। तो दोनों में जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो ये हमारा क्या होता है, टीजर ट्रांसफार्मर और मेन ट्रांसफार्मर के द्वारा थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने की युक्ति, जिसको बोला क्या जाता है, टीटी कनेक्शन या फिर स्कॉट कनेक्शन। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें क्या है, ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि टीटी कनेक्शन तो हमने पढ़ लिया, इसी से मिलता जुलता नाम काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मुझसे पूछा जाता है, वो होता है आपका टर्शरी वाइंडिंग। इसके विषय में यही आईटीआई लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें यही पूछा जाता है कि टर्शरी वाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी दो स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें स्टार स्टार कनेक्शन यूज होता है थ्री फेज में, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार में जुड़ी होती है, तो उनमें क्या होता है, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो स्थिर नहीं रह पाता। तो उस न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर करने के लिए उनके बीच में एक डेल्टा संयोजित वाइंडिंग कर दी जाती है। ये डेल्टा संयोजित वाइंडिंग आपकी क्या कहलाती है, टर्शरी वाइंडिंग कहलाती है। तो इसी के विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि टर्शरी वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है, या फिर जो स्टार स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर रखने के लिए किस वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, टर्शरी वाइंडिंग का यूज करते हैं। उसके अलावा पूछा जा सकता है टर्शरी वाइंडिंग का कनेक्शन किस में किया जाता है, तो टर्शरी वाइंडिंग आपकी जो है वो डेल्टा में होती है। एक डेल्टा कनेक्टिंग वाइंडिंग होती है जो दो स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के बीच में की जाती है। काम इसका क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर रखना। बस इतनी चीज आपको किसके विषय में ध्यान रखनी है, टर्शरी वाइंडिंग के विषय में, और टीटी कनेक्शन के विषय में क्या ध्यान रखना है कि वो क्या काम करता है, थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के विषय में, हिंदी में जिनको बोला जाता है उपयंत्र ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी हमारी लाइनें होती है उनमें करंट को मापने के लिए, या फिर जो ये बड़ी बड़ी लाइनें हैं इनमें वोल्टेज को मापने के लिए। तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जो हमारे एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर होते हैं वो उतने ज़्यादा परास के नहीं होते, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या किया जाता है, अधिक वोल्टेज हाई करंट और हाई वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। तो जो करंट मापने का ट्रांसफार्मर होता है उसको बोला जाता है आपका सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को मापने के काम आता है उसको क्या बोला जाता है, पीटी या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं,
विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन की लाइनें होती है, हाई टेंशन की लाइनें होती है, वहां पर करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट में करते हैं। इनके विषय में जो भी संभावित प्रश्न पूछा जा सकता है वो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सबसे पहले करंट ट्रांसफार्मर की, सीटी की। तो आपको पता है काम इसका सबसे पहले क्या है, करंट को मापना। करंट को मापने वाली युक्तियां आपको पता है किस में जुड़ती है, श्रेणी क्रम में जुड़ती है। तो सीटी भी आपका किस में जुड़ता है, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है। तो लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है। तो सीटी के विषय में ये ध्यान रखना है कि जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या जो होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में कई बार तो क्या होता है कि एक या दो ही टर्न होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, या फिर जो वायर होता है वही क्या करता है प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है। तो यूज इसका कहाँ होगा करंट मापने में, तो वाइंडिंग की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की होती है और कम टर्न की होती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो क्या होती है आपकी पतले तार की होती है और ज़्यादा टर्नों की होती है। तो अब यहाँ से प्रश्न देखो घूम जाता है, वो क्या पूछेगा कि सीटी करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर सीटी, नाम सुना करंट के विषय हम सुनते ही उसको कर देते हैं स्टेप डाउन, क्योंकि हम सोचते हैं कि उसमें जो एम्पियर मीटर हमने जोड़ा होगा वो सेकेंडरी में जोड़ा होगा, वो क्या कर रहा होगा वोल्टेज को कम कर रहा होगा। लेकिन सीटी का काम क्या होता है, करंट को कम करना होता है, ना कि वोल्टेज को कम करना। तो करंट ट्रांसफार्मर ध्यान रखना, यदि आपसे वोल्टेज के आधार पर पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर यदि पूछा जाए तो क्या होता है स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइमरी में टर्न कम सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। अब यदि बात करें करंट के आधार पर, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है कि किसके विषय में पूछ रहा है। करंट के आधार पर यदि पूछ रहा है तो करंट के आधार पर यह क्या होता है स्टेप डाउन टाइप का, कहने का मतलब करंट को तो ये डाउन कर रहा है, क्योंकि अगर एक साइड में हमारी वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट का मान हमारा क्या होगा कम होगा। तो करंट के आधार पर तो स्टेप डाउन टाइप का हो गया, लेकिन वोल्टेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होगा करंट ट्रांसफार्मर, वो किस प्रकार का होता है स्टेप अप टाइप का होता है। तो सीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जैसे हमने मान लिया ये कोई करंट ट्रांसफार्मर है, ये हमारा लाइन के श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया, और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में क्या जोड़ दिया जाता है एक एम्पियर मीटर जोड़ दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि जैसे आपने कई बार आप ट्रांसफार्मर के घरों के पास भी देखोगे तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, ऐसे रेंज लिखी होती है भाई 100/20 एम्पियर ऐसा लिखा होगा, या फिर 500/5 एम्पियर ऐसे लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनमें जो करंट जो माप ली जाती है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो माप लिया जाता है इसका। तो कहने का मतलब कि 500/5 की यदि मैं सिंपल बात करूं तो आप ये समझिए कि जो सीटी होगा उसके प्राइमरी वाइंडिंग में 500 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, लेकिन वो उसको डाउन कर देगा, करंट के आधार पर डाउन होगा, तो वो डाउन करके उसको कितनी बताएगा 5 एम्पियर। यहाँ जो सेकेंडरी होगी उसमें टर्नों की संख्या जो करंट होगी वो कितनी होगी 5 एम्पियर होगी। तो हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब आप ज्ञात करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा इसका 500/5 100 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये प्राइमरी से जो सेकेंडरी में करंट भेज रहा है उसको क्या कर रहा है 100 गुना कम करके भेज रहा है, क्योंकि प्राइमरी में 500 बह रही है और हमें सेकेंडरी में वो क्या दिखा रहा है 5 ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जब आप सीटी के द्वारा जब करंट मेजर करते हो, तो मान लिया किसी का टर्न रेशो 20 का है, तो आपको क्या करना है, मान लिया सेकेंडरी में 2 एम्पियर की धारा बह रही है तो ओरिजिनलिटी में उसमें कितनी धारा बह रही होगी 40 एम्पियर। तो उसको क्या किया जाता है, जो टर्न रेशो आता है उससे गुणा कर दिया जाता है। तो जैसे हम बात करें कि जो टर्न रेशो है वो 20 का है, तो 20 का टर्न रेशो है तो सेकेंडरी में यदि 2 एम्पियर की धारा है तो असली में वहां पर कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी 40 एम्पियर की। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जो करंट होती है उसको डाउन कर देते हैं, तो इससे क्या होता है बड़ी बड़ी जो हाई टेंशन की लाइनें होती है उनकी करंट को भी हम आसानी से, छोटा जो हमारा ये होता है
एम्पियर मीटर, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला नहीं छोड़ना होता, क्योंकि यदि आप खुला छोड़ते हो तो सेकेंडरी की यदि वाइंडिंग ओपन है तो उस कंडीशन में वहां पर बहुत ज्यादा वोल्टेज पैदा होती है, क्योंकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या ज्यादा होती है, तो करंट तो कम होगी लेकिन वोल्टेज जो होती है वहां पर बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर जो है वो शॉक लगने की या झटका लगने की जो संभावना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हमेशा जो है वो सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को भी क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप छोटे एम्पियर के ट्रांसफार्मर से भी बहुत ज्यादा माप की करंट को माप सकते हो। तो सीटी के विषय में इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या जिसको बोला जाता है पीटी। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका लाइन के समांतर क्रम में जुड़ता है। जैसे हमारी ये कोई लाइन हो गई, तो पीटी का एक टर्मिनल तो हम यहाँ जोड़ेंगे और दूसरा टर्मिनल यहाँ जोड़ते हैं, तो लाइन के समांतर क्रम में जुड़ता है। उसके अलावा जो इसमें क्या होगा कि जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। तो इसी में भी वही प्रश्न रिपीट हो सकते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो वोल्टेज के आधार पर ये एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन करंट के आधार पर स्टेप अप प्रकार का, ये हो गई बात। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है तो सीधा सा काम इसका क्या होगा, विभव को मापना, वोल्टेज को मापना। तो जो हाई टेंशन की लाइनें होती है उनकी वोल्टेज मापने के लिए हम क्या करते हैं, पीटी का यूज करते हैं। पीटी जोड़ा किस क्रम में जाता है, समांतर क्रम में जाता है। टर्नों की संख्या मैंने आपको बता दी। तो इसमें भी वही चीज़ है कि प्राइमरी वाइंडिंग को लाइन के समांतर क्रम में जोड़ दिया, अधिक टर्नों की होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है तो वोल्टेज को वो घटा देती है। तो वोल्टेज को घटाने से यहाँ जो वोल्टमीटर है वो हमें क्या प्रदर्शित करता है, घटी हुई वोल्टेज प्रदर्शित करता है। तो जब हम बात करें कि इसमें भी वही टर्न रेशियो निकाला जाता है, जैसे मैं बात करूं भाई 100/20 का है तो 5 का टर्न रेशो आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ जब 100 वोल्ट होगी या जो प्राइमरी है वो 100 वोल्ट है, तो सिंपल शब्दों में यदि हम समझे तो वो उसको घटा करके 5 गुना घटा करके वो उसको क्या कर रहा है, सेकेंडरी के अंदर दर्शा रहा है। तो उसमें जो टर्न रेशो आ गया वो 5 का आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ अगर सेकेंडरी हमें 2 वोल्ट दिखा रहा है तो वहां पर एक्चुअल में कितनी वोल्टेज होगी, 10 वोल्ट होगी, क्योंकि वो उसको घटा करके क्या दिखाता है, हमें आउटपुट के रूप में दिखाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मरों के लाभ भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपको पता चल गया कि इनके प्रयोग के कारण हम एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर होते हैं उनका साइज कम हो जाता है, क्योंकि हमें अगर मान लो 1000 वोल्टेज तक का वोल्ट मीटर बनाना हो तो वो बनाने के लिए हमें उसका साइज भी बड़ा करना पड़ेगा, उसमें जो कोयलों की संख्या होती है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हमारा वो जो है वो सिस्टम सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो उच्च वोल्टेज की लाइनें होती है उनमें करंट और वोल्टेज आसानी से इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट का यदि साइज बड़ा हो गया तो उनको बड़ी बड़ी लाइनों के ऊपर लगाना भी संभव नहीं होता। इसके अलावा पावर भी कम खर्च होती है। तो ये सारे कुछ एक लाभ होते हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे उनका यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी ट्रांसफार्मर का जो समांतर क्रम में ऑपरेशन किया जाता है उसके विषय में, जो पैरेलल ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज निकल करके आती है कि ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि हमें बताए कि ट्रांसफार्मर का जो होता है वो पूरा दिन लोड पे रहता है ट्रांसफार्मर। तो जब हमारा लोड जो है वो समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है, जैसे गर्मियों में लोड ज्यादा हो गया, सर्दियों में लोड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, या फिर हम बात करें जो वर्किंग आवर्स होते हैं जैसे फैक्ट्रियों में 9:30 से 5:30 के बीच में लोड ज्यादा होता है, तो उस समय में क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वो उस लोड की कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पाता। तो लोड की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए, लोड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मरों को एक ट्रांसफार्मर के साथ में दूसरा ट्रांसफार्मर भी क्या कर देते हैं, समांतर में जोड़ देते हैं। तो यदि हम बात करें, पहला लाभ तो हो गया कि दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में चलेंगे तो आपको पता है कि वो जो लोड होता है वो उसको आधा आधा वो आपस में बांट लेते हैं।
दूसरी चीज क्या होती है कि यदि मान लिया हमारा कहीं पर एक ही ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, तो यदि उस ट्रांसफार्मर में दोष उत्पन्न हो गया तो दोष उत्पन्न होने से क्या होगा कि जो पूरी सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। तो यदि हमारा पैरेलल में दो ट्रांसफार्मर जुड़े हुए हैं, तो यदि एक में फॉल्ट आ रहा है, एक में कोई दिक्कत उत्पन्न हो गई, तो हमारा जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या कर सकता है, जो सप्लाई होती है उसको चालू रख सकता है। तो जैसे हमारे कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, अस्पताल हो गए, इन सब में क्या हो सकती है, पैरेलल ऑपरेशन की वजह से जो सप्लाई है वो लगातार बनी रह सकती है। यदि बात करें और क्या लाभ हो सकता है, तो रिपेयरिंग की, जैसे हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके रेगुलरली टेस्ट होते हैं, प्रतिवर्ष टेस्ट होते हैं, प्रतिदिन टेस्ट होते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर हमें मेंटेनेंस के कार्य करने पड़े। तो मेंटेनेंस के काम में क्या हो सकता है कि यदि दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनमें क्या होगा कि किसी एक को हम बंद करके उस पर मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, तो दूसरा हमारा क्या करेगा, लोड के हिसाब से चलता रहेगा। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि लोड की जो मांग होती है उसके अनुसार कि जब हमारा लोड कम अवस्था में तो हम एक को चला लेंगे, जैसे ही हमारा लोड बढ़ेगा तो हम दोनों को चला लेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो हमारी ट्रांसफार्मर है वो क्या करेंगे, लोड के अकॉर्डिंग अपने हम उनका यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा एक ट्रांसफार्मर, हमें लगता है कि भाई लोड का मान कम हो गया तो हमारी जो हानि है वो बढ़ने लगेगी, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, एक ट्रांसफार्मर को बंद कर देते हैं, तो दूसरा ट्रांसफार्मर पे क्या है, लोड का मान इंक्रीज हो जाता है, तो जिससे उसके जो दक्षता होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। हमें क्या ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि पैरेलल ऑपरेशन में जोड़ने से पहले ट्रांसफार्मरों का क्या होता है, पोलैरिटी टेस्ट होता है। ये नहीं होना चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को हमने जो पहला सिरा था वो दूसरे से जोड़ दिया, दूसरा पहले से जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की जो सिचुएशन है वो पैदा हो सकती है, या फिर जो हमारा ट्रांसफार्मर था उसमें हमने हो सकता है स्टेप अप बनाना था और वो काम किसका करने लग जाएगा, स्टेप डाउन का करने लग जाएगा। तो इसके लिए आपको परीक्षा की दृष्टि से क्या ध्यान रखना है, इतनी चीज़ ध्यान रखना कि जो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें, पहले हमें दो ट्रांसफार्मरों को जोड़ने से पहले क्या क्या शर्त होनी चाहिए, दोनों की वोल्टता समान होनी चाहिए, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, वोल्टता समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, वोल्टता समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है वो भी दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर दो यदि आप पैरेलल में जोड़ते हो, तो उनकी ये तीन शर्तें हैं जो है वो पूरी होनी चाहिए, तभी आप उन दोनों को जो है वो समांतर क्रम में जोड़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं थ्री फेज के विषय में। तो थ्री फेज की यदि मैं बात करूँ, तो थ्री फेज के ट्रांसफार्मरों में आपको पता है कि क्या होगा, फेज क्रम भी आ जाता है कि आर वाई बी, वाई बी आर, फिर वी वाई आर, तो हमारा फेज क्रम भी लगातार चलता है। तो हम आर के साथ में बी फेज नहीं जोड़ सकते, बी के साथ में वाई नहीं जोड़ सकते, तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ता है, थ्री फेज के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो जाती है हमारी, सबसे पहली तो यही कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, उसके बाद मेन क्या होना चाहिए, उनका फेज क्रम क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, कि जो पहले का आर हम जहाँ पर मान लिया बस बार लगी हुई है हमारी, तो बस बार के ऊपर जहाँ पर हम पहले का आर दे रहे हैं, तो दूसरे ट्रांसफार्मर का भी आर फेज वहाँ पर पहुँचना चाहिए। उसके अलावा पोलैरिटी, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई आ गई तो उनकी ध्रुवताएँ भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या बराबर होनी चाहिए, जो वोल्टेज प्रति टर्न अनुपात है, वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो, वो भी क्या होना चाहिए हमारा, दोनों का बराबर होना चाहिए। और जो उनकी प्रतिबाधा होती है, प्रति इकाई प्रतिबाधा जिसको बोलते हैं, या इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं, वो आपका क्या होना चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मरों का प्रति इकाई प्रतिबाधा का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होती हैं, आवश्यक शर्तें होती है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर। अब थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं कि किस प्रकार जो है वो समांतर क्रम में जो है हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है जोड़ने की। तो आपके सामने मैंने दो डायग्राम लिए, दोनों को ध्यान से देखिएगा कि पहला हमारा है जिसमें हमने प्रॉपर पैरेलिंग की है, प्रॉपर उनको समांतर क्रम में जोड़ा है, लेकिन दूसरे में हमने क्या किया है, थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है और उनको प्रॉपर जो है वो समांतर क्रम में नहीं जोड़ा। तो इस केस में क्या होगा कि प्रॉपर पैरेलिंग देखो कैसे होती है, कि ये हमारा कोई एक ट्रांसफार्मर था, इसका पहला टर्मिनल ये हो गया और दूसरे का पहला टर्मिनल ये हो गया, दोनों देखो कहाँ जुड़ रहे हैं, पहली बस बार यहाँ पर कनेक्शन हो रहे हैं, इसका भी यहीं जुड़ रहा है और इसका भी यहीं जुड़ रहा है। जो सेकंड सेकंड टर्मिनल है वो सेकंड टर्मिनल यहाँ आ गया, इसका भी सेकंड टर्मिनल यहाँ आ गया।
तो दोनों देखो बस बार के ऊपर, सेकंड वाला यहाँ जुड़ गया इसका, और इसका भी सेकंड वाला कहाँ जुड़ रहा है, इस बस बार के ऊपर जुड़ रहा है, जो ये बस बार आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर जुड़ रहा है। और पहले पहले टर्मिनल जो है वो दोनों के देखो, ये जो पहली बस बार है इसके ऊपर जुड़ रहे हैं। तो ये होती है प्रॉपर समांतर क्रम में जोड़ना। इसी तरीके से आउटपुट आप देखोगे तो ये हमारी एक बस बार ये दिखाई दे रही होगी आपको। इस बस बार पे देखो पहले ट्रांसफार्मर का पहला टर्मिनल और दूसरे का भी देखो, ये आकर के यहाँ से यहाँ जुड़ रहा है। तो ये भी कहाँ जुड़ रहा है, इस बस बार पे जुड़ रहा है। इसी तरीके से दूसरा टर्मिनल यहाँ जुड़ रहा है और दूसरा इसका भी आकर के यहाँ जुड़ रहा है। तो ये क्या होती है प्रॉपर पैरेलिंग। लेकिन दूसरे चित्र में क्या है कि दूसरे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले पहले टर्मिनल तो इधर के तो सही जुड़ रहे हैं, ये दूसरा इससे जुड़ रहा है, यहाँ ये दूसरे यहाँ जुड़ गए और पहला यहाँ जुड़ गया। लेकिन सेकंड वाले भी कंडीशन में देखो कि इसका पहला टर्मिनल तो जुड़ रहा है यहाँ आकर के इसके दूसरे के साथ में, और इस बस बार पे जुड़ रहा है यहाँ वाली पे, लेकिन इसका पहला कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ गया इसके दूसरे से, और जुड़ कहाँ रहा है, इस बस बार पे जुड़ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो क्या होता है, गलत है। तो इस कंडीशन में हमारा जो सर्किट है वो हो सकता है शॉर्ट हो, शॉर्ट कर दे ये सर्किट को, शॉर्ट नहीं तो जो हमने जिस पर्पज़ के लिए उसका यूज करना था वो पर्पज़ हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मरों का पहले पोलैरिटी टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पोलैरिटी टेस्ट सिंपल, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता, सिंपल क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। सिंपल आपको मैं बताऊँ यदि तो सीधा एक उदाहरण लेकर के हम समझे कि जैसे मैंने मान लिया कि ये हमारे पास में दो बैटरी मैं ले लेता हूँ, प्लस माइनस, और यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूँ, प्लस माइनस, और यहाँ हमारा कोई लोड लगा दिया मैंने। तो अब आपको पता है कि जब इस प्रकार हमारा जुड़ेगा, ये मैंने मान लिया कोई 5 वोल्ट की थी और इसको मान लेते हैं हम कोई 10 वोल्ट की थी, और ये हमारा कोई रेजिस्टेंस था। तो अब आपको पता है कि जब जो प्लस प्लस आपस में जुड़ता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे को प्रभाव को ख़त्म करता है। तो यहाँ पर जो मेरी रिजल्टेंट वोल्टेज होगी उसका मान क्या होगा, 5 वोल्ट होगा, क्योंकि मैंने क्या जोड़ दिया, बैटरी की ध्रुवताओं को विपरीत क्रम में जोड़ दिया। तो यही केस हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर के साथ में होता है कि जब हमारी जो पोलैरिटी होती है वो विपरीत होती है तो हमें जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, घट करके प्राप्त होती है। लेकिन इसी चित्र को यदि हम बात करें कि इस तरीके से जोड़ दें, यहाँ मेरा प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ मैं माइनस जोड़ूँ और यहाँ प्लस, और यहाँ वही हमारा रेजिस्टिव लोड, तो अब देखो क्या होगा कि बैटरी का प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ने वाले स्वभाव के होंगे। तो यदि हमारी वही चीज़ है कि ये 5 की है और ये 10 की है, तो अब मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज कितनी प्राप्त होगी, 15 वोल्ट प्राप्त होगी। तो यही केस हमारा किस में काम करता है, ट्रांसफार्मर के केस में काम करता है। तो ट्रांसफार्मर के केस में देखो कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर हो गया एक और एक ये हो गया, तो दोनों में देखो जब हमारी ध्रुवताएं आपस में जुड़ने वाली होगी, जैसे हमारा प्लस यहाँ बन रहा है, ये माइनस से जुड़ रहा है और ये माइनस हमारा प्लस से जुड़ रहा है, तो एडिटिव पोलैरिटी होगी। तो एडिटिव पोलैरिटी में क्या होगा, जो हमारा ये वोल्ट मीटर होता है वो हमें क्या दिखाएगा, इनकी आपस में क्या दिखाएगा, योग दिखाएगा। जो ये VA वोल्ट मीटर है और जो VB वोल्ट मीटर है, इन दोनों का क्या दिखाएगा, आपस में योग दिखाएगा, क्योंकि हमारा जो पोलैरिटी है वो क्या होगी, आपस में जुड़ने वाले स्वभाव की होगी। लेकिन यदि हमें इसको क्या करना हो, नेगेटिव में करना हो या घटने वाले स्वभाव की करना हो, तो हमारा कनेक्शन क्या होगा, इस प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार के कनेक्शन में देखो, जब प्लस प्लस से जुड़ गया और माइनस माइनस से जुड़ गया, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करेंगे। तो इनमें से जो ज़्यादा पोलैरिटी का होगा या ज़्यादा मतलब वोल्टेज का होगा, उसमें से कम वोल्टेज वाले की वोल्टेज घट करके हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। तो जहाँ पर यदि हम मान लें कि जुड़ने वाली पोलैरिटी की यदि हम बात करें, तो जुड़ने वाली पोलैरिटी जैसे हमें जो हमारे नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ पर हमें स्टेप अप करने की आवश्यकता होती है वोल्टेज को, तो वहाँ पर हम इस प्रकार की पोलैरिटी का यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमें स्टेप डाउन करने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम इस प्रकार की पोलैरिटी का यूज़ करेंगे। तो सेम जो मैंने आपको बैटरी का कॉन्सेप्ट बताया, उसी बैटरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो समांतर क्रम में चल करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो हमारा जो प्रश्न है वो कहाँ से बन सकता है कि इनका जो फेज क्रम है वो क्या होना चाहिए, वो 3-4 आपको चीज़ें देगा, तो उनमें से आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होने पर भी हम जो है उसको समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं।
तो जैसा मैंने थ्री फेज में बताया आपको, फेज क्रम, ध्रुवता, वोल्टेज अनुपात, प्रतिबाधा, ये समान होना चाहिए। और सिंगल फेज में क्या होना चाहिए, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है वो समान होना चाहिए। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मरों का क्या किया जाता है, समांतर क्रम में परिचालन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के जो टेस्ट होते हैं उनके विषय में। तो ट्रांसफार्मर के टेस्ट वही जो बेसिक हम समझते हैं कि एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है शॉर्ट सर्किट, एक होता है आपका इंसुलेशन और एक आपका हो गया अर्थ टेस्ट। तो ओपन सर्किट में क्या होगा कि दो जो एक टर्मिनल होगा, वाइंडिंग होगी, उनको ले लेंगे, वाइंडिंगों की कंटिन्यूटी आपस में चेक करेंगे। जैसे वाइंडिंगों के तीन सेट है थ्री फेज में, एक, दो और तीन, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर इन दो टर्मिनलों पर मल्टीमीटर या फिर मेगर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यदि आप मेगर का यूज़ करोगे तो मेगर यदि अनंत पाठ्यांक दिखाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या होगा, जो वाइंडिंग है वो हमारी कहीं से ओपन है। यदि मल्टीमीटर का यूज़ करोगे तो मल्टीमीटर में यदि वीप की आवाज़ नहीं आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो वाइंडिंग है हमारी वो कहीं से ओपन है। तो तार की जो है वो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी टेस्ट का यूज़ करते हैं हम, ओपन सर्किट टेस्ट का। दूसरा शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जैसे मैं बात करूँ यदि कि हमारी ये कोई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये हमारी कोई सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों आपस में कहीं से टच नहीं हो रही, इसकी जांच की जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि एक सिरा यहाँ लगाएंगे अब और एक सिरा यहाँ लगाएंगे, तो यदि वहाँ पर हमें कोई रीडिंग मिल रही है, प्रतिरोध कम आ रहा है, तो इसका मतलब जो है वो हमारा ये वाइंडिंग है आपस में कहीं ना कहीं से इनका इंसुलेशन उतरा हुआ है और आपस में ये क्या है, शॉर्ट हो रही है। लेकिन यदि पाठ्यांक अनंत आ रहा है या फिर जो बीप की आवाज़ है वो नहीं आ रही, तो इसका मतलब होता है हमारी जो दोनों वाइंडिंग है वो आपस में एकदम सही है, इनमें जो है वो कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो मेगर से यदि जांच करोगे तो सुई आपकी इन्फिनिटी पर रहनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट नहीं होती। उसके बाद में बात करें यदि इंसुलेशन टेस्ट की, तो इंसुलेशन टेस्ट में भी आपकी वही प्राइमरी वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का क्या मापा जाता है, इंसुलेशन मापा जाता है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है बॉडी के साथ में, या फिर जो इनकी मतलब जैसे यदि बात करें हम सिंपल वायर की, तो वायर का एक टर्मिनल हो गया, उसके ऊपर जो उसका पीवीसी कवर होता है उसके साथ में, तो ट्रांसफार्मर के केस में तो हमारा इंसुलेशन उसके ऊपर पीवीसी टाइप तो होता नहीं, तो हम क्या करते हैं वाइंडिंगों के आपस में दोनों वाइंडिंगों का या फिर वाइंडिंग का बॉडी के साथ में क्या करते हैं, इंसुलेशन चेक करते हैं। तो इंसुलेशन मापने के लिए आपको पता है मेगर का यूज़ किया जाता है, तो हमारा जो पाठ्यांक है वो लगभग मेगा ओम में आना चाहिए या फिर अनंत की साइड में आना चाहिए, तभी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो एकदम सही होता है। इसके बाद बात करें यदि अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट की, तो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट में आपको पता है कि अर्थिंग की जांच की जाती है, टेस्ट लैंप के द्वारा चेक किया जाता है कि कहीं पर हमारा जो वायर है वो बॉडी के साथ में टच ना हो, तो वो हमारा अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्ट होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टर होता है उसके अंदर हम उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, तीन चीज मैं बता रहा हूँ, बार बार प्रश्न यहाँ से उठते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की प्रति घंटे क्या चेक होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लोड। लोड की जांच प्रति घंटा की जाती है ट्रांसफार्मर के। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर की संपूर्ण जांच कितने सालों में की जाती है, फुल जांच कितने सालों में की जाती है, प्रत्येक दो साल में, प्रत्येक दो साल में। उसके अलावा तीसरी चीज जो प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ब्रीदर के विषय में कि ब्रीदर की जांच कब की जाती है, तो ब्रीदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिलिका जेल वाला जो मैंने आपको बताया था, तो यदि वो हमारा हम चेक नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो पूरा ऑयल है वो सारा खराब हो सकता है, वाइंडिंगों का इंसुलेशन खराब हो सकता है। तो ब्रीदर की जांच आपको ध्यान रखना है कि प्रतिदिन की जाती है। तो इन चीज का, तो इन तीन चीज़ों का तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है, बाकी एक दो चीज़ें और देख लेना आप जो आपकी गाइड में लिखी हो, लेकिन इन तीन चीज़ पर तो आपका विशेष फोकस होना चाहिए कि
प्रत्येक घंटे ट्रांसफार्मर का लोड चेक किया जाता है, प्रत्येक 2 साल में उसकी फुल ओवरऑलिंग जांच की जाती है और प्रतिदिन उसके जो ब्रीथर होता है ट्रांसफार्मर का उसकी जांच की जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको ट्रांसफार्मर के टॉपिक में शेष रूप से ध्यान रखनी है। परीक्षा की दृष्टि से यही चीज़ सब चीज़ें महत्वपूर्ण है, इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कुछ भी पूछा जाएगा। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो सिंपल परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, उसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को आज हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, छोटा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है कि एक 50 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है जिसकी दक्षता जो है वो 94% है, एक दिन में फुल लोड पर 4 घंटे काम करता है, यदि फुल लोड पर होने वाली हानियों को, मतलब हानियों को नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो फुल लोड पे हानियाँ होती है उनको कॉपर लॉस और आयरन लॉस उन दोनों में आधा आधा बांट दिया, तो पूछ रहा है हमसे पूरे दिन की एफिशिएंसी बताओ। तो देखो इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि कई बार तो वो हमें क्या देगा कि सीधी फुल जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस है वो दे देगा, लेकिन अब उसने थोड़ा सा इसको घुमाया, देखो क्या किया कि 50 किलोवाट के ट्रांसफार्मर है जिसकी दक्षता 94% है, तो दक्षता 94% है तो मतलब उसमें 6% क्या है लॉस होगा, इतनी चीज़ क्लियर है। तो 50 का जब हम 6% ज्ञात करेंगे, 50 का 6% ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 किलोवाट, 3 किलोवाट उसमें क्या हो रही है हानियाँ हो रही है। 3 किलोवाट कैसे आई, क्योंकि 94% तो उसकी दक्षता है तो 6% फिर वो क्या है लॉस ही तो हो रहा है, तो 3 किलोवाट मतलब अब हमारी क्या आ गई, हमने कुल लॉस उसमें ज्ञात कर लिया। अब वो कह रहा है प्रश्न के हिसाब से ही चलना है हमें कि फुल लोड पर आने वाली हानियाँ 3 किलोवाट है, उन हानियों को उसने किस में बांट दिया, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों में आधा आधा बांट दिया। तो अब मेरे हिसाब से क्या हो गई प्रश्न के वाइज कि आयरन लॉस इसमें हो गया 1.5 किलोवाट और जो कॉपर लॉस था वो कितना हो गया 1.5 किलोवाट। इतनी चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी कि 3 किलोवाट कुल हानियाँ, प्रश्न कह रहा है कि दोनों को आधा आधा बांट दो, हमने आधा आधा बांट दिया। अब वो क्या पूछ रहा है कि एक दिन में फुल लोड पर 4 घंटे काम करता है, तो 50 किलोवाट का हमारा ट्रांसफार्मर है, पूरे दिन काम कितना कर रहा है 4 घंटे आउटपुट दे रहा है, तो यदि हम बात करें 200 किलोवाट घंटा इसका क्या आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा, 200 किलोवाट घंटा हमारा क्या आ गया आउटपुट आ गया, क्योंकि 50 किलोवाट का ट्रांसफार्मर 4 घंटे काम करता है तो किलोवाट घंटा दक्षता उसकी क्या होगी, जो कुल पावर होगी वो क्या होगी 200 किलोवाट घंटा। तो अब हम बात करें कि 4 घंटे में जो हमारी कॉपर हानियाँ है वो कितनी होगी, तो 4 घंटे में हमारी कॉपर हानियाँ 1.5 × 4 होगी 6 किलोवाट घंटा, क्योंकि अब हम घंटे में बात कर रहे हैं तो किलोवाट घंटा, तो 4 घंटे में हमारी जो कॉपर लॉस है वो 6 किलोवाट घंटा हो गया। इसी तरीके से मेरा 4 घंटे में जो है वो आयरन लॉस भी होगा। तो अब हम बात करें, इसने पूछा हमें पूरे दिन की एफिशिएंसी, तो पूरे दिन की एफिशिएंसी हमारी आपको पता क्या है, पूरे दिन में घंटे कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे की यदि आप कॉपर लॉस ज्ञात करोगे आयरन लॉस ज्ञात करोगे तो वो कितना होगा कि जो हमारा आयरन लॉस है वो तो उसमें 24 घंटे का ही लेंगे हम पूरा, क्योंकि वो लोड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो कॉपर लॉस होता है वो आपको पता है I²R हमने पढ़ा था, तो वो हमारा किस पे पूरा डिपेंड करता है, वो लोड पे करता है। तो कॉपर लॉस को ये नहीं कर देना है हमें कि 1.5 × 24 घंटे हो गया, 24 घंटे उसमें कॉपर लॉस नहीं होगा, कॉपर लॉस जो फुल लोड पर हमारा चल रहा है जितने दिन में उतना ही उसमें कॉपर लॉस होगा। तो हम बात करें यदि आयरन लॉस की, तो आयरन लॉस उसमें कितना हो गया 1.5 × 24, क्योंकि 24 घंटे चला है, तो हमारा क्या आ जाएगा ये 36 किलोवाट घंटा। अब देखो कि 200 किलोवाट घंटा तो उसने हमें आउटपुट दिया और इनपुट बराबर क्या होता है आउटपुट प्लस लॉसेज, तो यदि हम बात करें इसको हमने इनपुट कितना दिया था, क्योंकि दक्षता हम कभी याद कर पाएंगे जब हमारे पास में क्या होगा इनपुट आउटपुट और ये दोनों चीज़ें होंगी, तो
अब यदि मैं इनपुट की बात करूं कि हमने इसको इनपुट कितना दिया था, तो 200 तो उसने हमें आउटपुट दिया, प्लस 36 उसमें हमने आयरन लॉस हो गए किलोवाट घंटा, और 6 किलोवाट घंटा उसमें क्या हो गया, कॉपर लॉस हो गया। तो इस 12 इसका जो इनपुट था वो कितना हो गया, 236 और 6 242 किलोवाट घंटा। तो ये हमारा हमारे पास में क्या आ गया, इसका इनपुट आ गया। 24 घंटे में हमने किसको कितनी इनपुट सप्लाई दी थी, 242 किलोवाट घंटा दिया था, और इसने हमें 200 किलोवाट घंटा जो है वो 4 घंटे का आउटपुट दिया। तो जो आपकी दक्षता होती है वो क्या होती है, आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100 होती है। तो आउटपुट हमने इससे कितना लिया, 200, इनपुट हमने इसको दिया था 242, इनटू किया 100, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 82.64% इसकी क्या होगी, दक्षता होगी। तो पूरे दिन की यदि इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 82.64%। बढ़ते आगे, बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल के विषय में। अगला प्रश्न, जो टर्न रेशो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग, कि इस प्रकार के प्रश्नों की संभावना पहली बात है कि ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जो है जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, तो प्रश्न ज़्यादा बड़े नहीं पूछे जाते, वही प्रश्न आते हैं जो मतलब लॉजिक से या फिर किसी भी तरीके से जल्दी सॉल्व हों, तो उतने बड़े बड़े सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो बात करें कि एक 110/440 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड में 100 टर्न है, तो हाई वोल्टेज साइड में टर्नों की संख्या बतानी है। तो सिंपल, बिल्कुल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ES बटा AP बराबर किसके रखा था हमने, NS बटा NP के। तो पूछ वो हमसे क्या रहा है, सेकेंडरी साइड के टर्नों की संख्या पूछ रहा है। तो NS आपका किसके बराबर हो जाएगा, ES गुणा NP जब आप वज्र गुणा करोगे, बटा में आपका क्या आ जाएगा, AP। तो लीजिए सीधा फॉर्मूला के अंदर मान रख दीजिए, जो हमारा ES है मतलब सेकेंडरी साइड का EMF है वो कितना है, 440 गुणा किससे किया हमने, NP साइड प्राइमरी साइड में टर्नों की संख्या कितनी है, 100, बटा में क्या आ जाएगा, AP मतलब प्राइमरी की वोल्टेज कितना आ गया, 110। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 400। हाई वोल्टेज साइड में टर्नों की संख्या कितनी है, 400। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना है, 100 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 400 में। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 1:4 कितना है, 4 है। यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पूछा जाता है तो इसको हमें, कई बार मैंने देखा है कि प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि सीधा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पूछ लिया जाता है, तो हमें तो समय बचाना है, तो समय बचाना है तो ये प्रक्रिया नहीं करनी हमने इतनी बड़ी। तो हो सकता है यहाँ पे जो रकम दी हो वो कटने वाली ना दी हो, या थोड़ी बड़ी टाइप में दे दी हो, वहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इसको देखना है। यहाँ देख रहे होगे आप कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ करंट जो होती है वो विपरीत होती है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम होती है, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी टर्न, सेकेंडरी EMF, सारा कैसे लिखते हैं हम, ES बटा EP, NS बटा NP, VS बटा VP, वो सारा ऐसे चलता है। लेकिन जो करंट होती है वो हम क्या कर देते हैं, आगे चल करके विपरीत कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो 110/440, तो 110 को 440 में बदल रहा है, तो 0 से 0 काट के 11 एकम 11 चौके 44, तो 1:4 का रेशो आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा जो सीधा वो हमें पता चल जाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया हमें वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 100 टर्न दे रहा है वो, तो 100 का मतलब एक इधर आ रहा है, प्राइमरी के 100 दे रहा है, तो जब 4 का रेशो है तो 100 × 4 करोगे तो सीधा आपका उत्तर क्या आएगा, 400 आएगा। बात करते हैं अगले सवाल की, कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न 480 और सेकेंडरी 60 है, यदि प्राइमरी को 3000 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए तो सेकेंडरी की वोल्टेज बताओ, और सेकेंडरी के करंट यदि 150 एम्पियर है तो प्राइमरी की करंट बताओ। अब देखो, एक तरीका तो वही आपका जो कन्वेंशनल तरीका है हमारा, कि ES बटा EP, NS बटा NP करो, फिर ES का मान ज्ञात करो, EP गुणा NP करो। लेकिन यदि आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ को समझो कि प्राइमरी के टर्न है आपके 480, सेकेंडरी के टर्न है आपके 60,
तो यदि मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करूं तो इनका क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, 480 और 6, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या आ गया, 8 का आ गया। कहने का मतलब कि ये 8 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 1 में कन्वर्ट कर रहा है इधर साइड में। तो अब देखो प्राइमरी की उसने हमें दी है 3000 वोल्ट की, तो प्राइमरी जब 3000 वोल्ट है तो सेकेंडरी में वोल्टेज क्या हो जाएगी, 3000 बटा सीधा 8 कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 375 वोल्ट आ गई। तो सीधा यहीं से हमें ज्ञात हो गया कि जब टर्न रेशो का मान हमारे पास में 8 का आ गया, तो 8 का मतलब जब इधर 8 वोल्ट है तो उधर की साइड में 1 वोल्ट हो रही है, तो जब इधर 3000 वोल्ट है तो 3000 में 8 का भाग हम देंगे तो इधर हमारी कितनी आ जाएगी, 375 वोल्ट आ गई। क्योंकि जब आप 375 को 8 से गुणा करोगे तो आप देखोगे कि 3000 वोल्ट हो रही है प्राइमरी में। तो यही चीज़ होती है कि सिंपल यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल चाहे कितना बड़ा देखने में बड़ा लगता है लेकिन बड़ा नहीं होता, कि सबसे पहले हमने टर्न रेशो निकाल लिया। ऐसे सवाल कोई भी सवाल आए उनमें यही कॉन्सेप्ट अपनाओ आप सीधा, कि टर्न रेशो निकाल लिया, टर्न रेशो के हिसाब से आपको क्या चलना है, सीधा भाग दिया तो आपके सामने क्या आ गया, सेकेंडरी की वोल्टेज आ गई। अब एक चीज़ बताओ मेरे को कि सेकेंडरी की वोल्टेज कम है तो आपको पता है ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब वोल्टेज का मान कम होता है तो धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो धारा का मान ज़्यादा होगा तो अब यहाँ पर देखो कि सेकेंडरी की करंट वो बता रहे हैं 150 एम्पीयर, सेकेंडरी की करंट 150 एम्पीयर है तो प्राइमरी की करंट क्या हो जाएगी हमारी, 150 बटा 8 कर दो। क्योंकि जब उसने वोल्टेज को इधर 8:1 का रेशो चल रहा है तो करंट का फिर कितना होगा, 1:8 का होगा। क्योंकि जब आपकी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो इधर करंट डिक्रीज हो रही है, और उधर आपकी वोल्टेज जब डिक्रीज हो रही है तो आपकी करंट इंक्रीज हो रही है, तो प्राइमरी की आपके पास सीधी करंट आ जाएगी 8.75 एम्पीयर। तो ये आपका सवाल हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सवाल को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के द्वारा सीधा ज्ञात कर सकते हो। अब मान लो टर्नों की संख्या पूछ लेता वो, यहाँ पर मान लिया वो प्राइमरी के टर्न ना देता, आपको प्राइमरी की वोल्टेज दे देता, सेकेंडरी के टर्न दे देता, तो उस केस में सेकेंडरी की वोल्टेज देता फिर वो आपको 375। तो उस केस में आप क्या करते, किसी तरीके से टर्न रेशो ज्ञात करते और टर्न रेशो के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम कन्वेंशनल तरीके से चलते इसको तो कैसे सॉल्व करते, कि सबसे पहले हम बात करें कि जो अब हमें फॉर्मूला लिखना है, ES बटा EP बराबर NS बटा NP, ठीक है। हमें क्या पूछा है, पहले उसने सेकेंडरी की वोल्टेज पूछी है, तो सेकेंडरी की वोल्टेज जब ज्ञात करेंगे ES बराबर किसके हो जाएगा, NS गुणा EP और बटे क्या हो जाएगा, NP। तो लिख देते हैं 3000 हो गया हमारा गुणा 60 बटा 480, 1 0 से 1 0 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 375 वोल्ट। तो यही हमारा आंसर पहले आ रहा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। तो आपको यदि उस तरीके से गलत होने की संभावना लगती है तो सिंपल तरीका लगा लो। इसी तरीके से आपसे क्या पूछा था, सेकेंडरी जो प्राइमरी वाइंडिंग की धारा पूछी थी, तो प्राइमरी वाइंडिंग की धारा आप लिखोगे जब, तो अब उस केस में क्या होगा, ES बटा EP बराबर आपका किसके जाएगा, IP बटा IS की। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, सेकेंडरी ऊपर रहती है लेकिन धारा के केस में वो उल्टा हो जाता है। तो प्राइमरी की धारा पूछ रहा है तो आपको सेकेंडरी की वोल्टेज सेकेंडरी की करंट का गुणा करके बटा में प्राइमरी के जो हमारी वोल्टेज है उससे भाग दे देंगे हम। तो मान रख देंगे यहाँ पर कि मान जब आप रखोगे तो 375 आ गया आपका, सेकेंडरी की जो हमारी आ गई वो वोल्टेज आ गई, सेकेंडरी की धारा कितनी दी है 150, प्राइमरी की वोल्टेज कितनी दी है 3000। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो भी उत्तर कितना आएगा, 18.75 एम्पीयर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के द्वारा भी हमारा जो उत्तर है वो आ जाता है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। अब इनमें एक टाइप का सवाल और क्या बन सकता है, कि लगभग तो मैंने सारे फॉर्मूला वाइज आपको बता दिए। एक जो फॉर्मूला हमने देखा था EMF का,
तो ईएमएफ के फॉर्मूले में जो हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर का जो विद्युत वाहक बल समीकरण होता है वो क्या होता है, 4.4 फाई एम एफ एन, ये था, या फिर 4.4 बी एम एफ एन जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है वो ले लो, चाहे एक ही बात है। तो इसके रिगार्डिंग भी सवाल आ सकते हैं किस प्रकार के, जैसे वो आपको दे देगा कि एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जो का मान बताओ, यदि फ्रीक्वेंसी का मान मान लिया 50 हर्ट्ज है, उसमें फ्लक्स का मान जो है वो 1.5 वेबर है, 1.10 वेबर है प्रति मीटर स्क्वायर है, और उसमें टर्नों की संख्या इतनी है, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, सीधा इस फॉर्मूला में मान रखने हैं और मान रख के हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा। तो यही 3-4 टाइप के सवाल इसमें क्या बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। बाकी मेरी विशेष सलाह यही है कि यदि आपको सवालों से प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम है, तो इन पर अपना समय बर्बाद ना करें, आप सीधा क्या पढ़ें, थ्योरी पढ़ें ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपके थ्योरी से आएंगे, जो मैक्सिमम जो है वो आपका थ्योरी से कवर होगा, लेकिन जो एक दो सवाल यदि आएंगे भी तो वो उतने ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं होते, क्योंकि ITA लेवल DGT लेवल का पाठ्यक्रम है, आप सभी को पता है कि किस लेवल के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, तो हमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।